नमस्कार सबको, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैं आपसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि कथन और तर्क, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये टॉपिक सब गलत करते हैं भाई, सब गलत करते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक नहीं आता, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क या स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या यूपी का कोई भी एग्जाम हो। यूपी कॉन्स्टेबल में इतने अच्छे लेवल का ये टॉपिक आया, और UPSI में तो और भी खतरनाक लेवल का ये टॉपिक आया। और SSC की अगर मैं बात करूं तो जब से TCS आया है तो SSC में MTS से लेकर के MTS, CHSL, CGL हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन को इग्नोर कर देता है, बट आर्ग्यूमेंट से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। आर्ग्यूमेंट से ऐसा क्या है जो कि सब गलत करते हैं। और ये टॉपिक बच्चे मैं अनाउंस कर रहा हूं ओपनली कि यूट्यूब पर भी किसी ने भी ढंग से नहीं पढ़ाया है, किसी ने भी मतलब किसी ने भी ढंग से नहीं पढ़ाया है। और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे भी पहली बार ये टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, बट बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। पहली बार लेकर के आया हूं तो बहुत बारीकी से सीखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो आज की क्लास का इस टॉपिक में, बड़े जबरदस्त तरीके से। आज की क्लास चाहे कितनी ही क्यों ना लंबी खींचनी पड़ जाए, बट बड़ी बारीकी से एक एग्जाम्पल पे बड़ा जबरदस्त डिस्कशन करेंगे। ऐसा है क्या इसमें बच्चे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ रहे हो, डिबेट होना। डिबेट होने का मतलब बहस होना आपके और मेरे बीच में, या आपके और एग्जामिनर के बीच में। और जहां डिबेट होती है, जहां तर्क और वितर्क होते हैं, जहां कोई आर्ग्यूमेंट होता है, जहां दो दोस्तों में बहस होती है, तो तब भी कोई दोस्त नहीं जीत पाता, तो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में तो गलती होनी लाजमी है। आप घर में आर्ग्यूमेंट करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, या आप अपने व्हाट्सएप पे उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, देखिए मेरी गलती ना थी, ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हो ना, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, तू ही गलत थी, मैं गलत नहीं था, है ना। तो आर्ग्यूमेंट में कोई भी जीत नहीं पाता, इस वजह से ये टॉपिक गलत हो पाता है, ठीक है। तो डेली मेरी क्लास 8:30 रहती है, और अब मैंने कल अनाउंस किया था कि रीजनिंग का भोकाल होगा। अब मैं सारे वो टॉपिक लेकर के आऊंगा जिसमें बच्चों के मार्क्स कटते हैं, क्योंकि ये 50 out of 50 जो मार्क्स आपको लेने हैं ना हर एग्जाम में, पूरा स्कोर जो आपको करना है ना, वो तभी होगा जब आप ढंग से सीखोगे। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से फटाफट शुरू करें। एक्साइटेड हो, हाउ इज द जोश? एनालिटिकल रीजनिंग से लोग डरते क्यों हैं? एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग का मींस एनालिसिस, एनालिसिस मींस थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड का मतलब सोच करके जवाब देना है। तो सोच करके जवाब देना है तो मैं आपकी सोच बदलने की कोशिश करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा, सोच आपकी चलेगी। आप भी अपनी सोच को डेवलप करने की कोशिश करना, अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करने की कोशिश करना, तभी आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। अब एक बार मैं ब्रीफली बेसिक से बता देता हूं ये एग्जांपल, ये चैप्टर है क्या। देखो बच्चे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में कभी भी ये ध्यान रखना कि ये यस या ये नो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें दोनों यस दिए, या किसी और एग्जाम्पल में यस दिए, या किसी और एग्जाम्पल में एक बार यस दिया एक बार नो दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नो देने का मतलब है, नहीं देने का मतलब है कि आप इस कथन का विरोध कर रहे हो। यस देने का मतलब है आप इस कथन का समर्थन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो एक बार मैं बेसिक पहले बता दूं, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, बेसिक चीजें पहले समझा देता हूं, ठीक है। मैं आपसे एक बार जनरल लाइफ का एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, क्या आप जवाब दोगे? देखो आज पार्टिसिपेट करना भाई, आज डिबेट होगी आपके और मेरे बीच में, तो पार्टिसिपेट करते रहना, सारे बच्चे जवाब देते रहना। मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने एक बात बोल दी, एक रूल बता दिया, यस या नो इंपॉर्टेंट नहीं है, यस या नो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब समर्थन करना या विरोध करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है लॉजिक। अगर आप किसी बात का समर्थन कर रहे हो
तो उसका लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप किसी बात का विरोध कर रहे हो तो उसका लॉजिक इंपॉर्टेंट है। जब मैं कैट की प्रिपरेशन किया करता था 2012 की बात है, तो कैट की प्रिपरेशन में ग्रुप डिस्कशन हुआ करता था, और ग्रुप डिस्कशन में जब डिबेट होती थी तब मैं कई बार बहुत ज्यादा बोल जाता था लेकिन मेरे मार्क्स कम आते थे। तो मैं टीचर से पूछता था कि मेरे मार्क्स कम क्यों दिए, आज तो मैं सबसे ज्यादा बोला। तब टीचर मुझे समझाता था कि बेटे आज आप सबसे ज्यादा बोले हो लेकिन आपके पॉइंट्स लॉजिकल नहीं थे, इलॉजिकल बेतुकी बातें आप कर रहे थे, आप जिद पकड़ के बैठे थे, नहीं मैं ही सही हूं, नहीं मैं ही सही हूं, नहीं मैं ही सही हूं। तो बेतुकी बातें नहीं चलेंगी, लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा तर्क दे पाते हो, यह इंपॉर्टेंट है कि आपने जो तर्क जो लॉजिक दिया है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा कि क्या दहेज प्रथा सही है, क्या दहेज प्रथा सही है, जल्दी से एक बार रिप्लाई करो। आज आपका रेस्पॉन्स सही है, सीखना चाहते हो ना एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिसिस करना चाहते हो ना, तो रेस्पॉन्स करो जल्दी से, वीडियो को लाइक करते जाओ जल्दी से। क्या दहेज प्रथा सही है? देखो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, यह टॉपिक क्यों सबका गलत होता है, क्योंकि आप यस नो में इंपॉर्टेंस रखते हो। सबका कमेंट अंजलि प्रिया, आगे 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 आने दो कमेंट, गलत है मतलब नो 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 नो, सब नो बोल रहे हैं, नो 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 नो, सब नो बोल रहे हैं, वेरी बैड, गलत है, गलत है, दहेज प्रथा गलत है, गलत है, गलत है। देखो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, आज मैं ये टॉपिक पूरा समझा के जाऊंगा, लास्ट तक बने रहे हो ना। अब देखो नो बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। कभी भी किसी स्टेटमेंट का विरोध या समर्थन मत करना, पहला रूल जो आपने सबने नो बोला, किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन या विरोध मत करना। मैंने आपसे पूछा कि क्या दहेज प्रथा सही है और आपने कहा कि नो, नहीं सर दहेज प्रथा सही नहीं है। जैसे ही आपने नो डिसाइड किया उसके तुरंत बाद लॉजिक अगर बेतुकी बात बोल दी तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन आप सही की तरफ चले जाओगे, आप सही की तरफ चले जाओगे, इसी वजह से ये टॉपिक सबका गलत होता है। तो पहले यस या नो डिसाइड नहीं करोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है लॉजिक। मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल मैंने लिया, ये एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें डिटेल में बता दूं, पहले ही टॉपिक क्लियर हो जाए ताकि आगे से आपका गलत ना हो, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या दहेज प्रथा सही है, आपने बोला नो, नहीं सही है, और उसके पीछे लॉजिक अगर लिखा तो नो अगर आपने बोल दिया तो आप नो वाले सबको टिक कर दोगे, आप नो वाले को टिक कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप नो की तरफ हो। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या दहेज प्रथा सही है और आपने बोला नो, नहीं सही नहीं है, और जैसे ही नो का लॉजिक आएगा आप उसको टिक कर दोगे क्योंकि आप विरोध कर रहे हो इस बात का, एक बात बताओ पूरा देश विरोध करता है तो फिर दहेज लेता कौन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही भी है क्या, कैसे सही है समझाऊंगा। देखो मैं बोल रहा हूं नो, नहीं ये सही नहीं है, लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में दहेज नहीं लिया जाता, तो ये लॉजिक गलत है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, नेवर कंपेयर और रिलेट विद अदर्स, किसी दूसरे से ना कभी कंपेयर करो ना रिलेट करो, किसी दूसरे से ना आपको कंपेयर करना है ना आपको रिलेट करना है, तो ये लॉजिक गलत हुआ। मैं बोलूं नो सही नहीं है क्योंकि दूसरा पड़ोसी नहीं लेता, ये लॉजिक गलत है, क्योंकि आपने नो तो जवाब दिया बट लॉजिक गलत दिया। मैं बोलूं नो सही नहीं है, उसके पीछे लॉजिक दूं क्योंकि मेरा मन करता है नहीं लेने का, ये लॉजिक गलत है, क्योंकि आपका मन करता है, आपने समाज को लेकर के तो लॉजिक दिया ही नहीं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इस टॉपिक को समझने के लिए लिया, नो भी सही हो सकता है यस भी सही हो सकता है, ना नो इंपॉर्टेंट है ना यस इंपॉर्टेंट है, ना विरोध करोगे ना समर्थन करोगे, इंपॉर्टेंट है तो क्या है लॉजिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे आपके एग्जाम में, पहला ऑप्शन है यदि पहला आर्गुमेंट सही है,
अगर मान लो पहला तर्क आपको सही लगे तो पहला ऑप्शन टिक करोगे। दूसरा ऑप्शन है यदि दूसरा आर्ग्यूमेंट सही है, यदि दूसरा तर्क सही लगे तो आप उसको टिक करोगे। तीसरा लॉजिक है या तो पहला सही हो या दूसरा सही हो। चौथा ऑप्शन है ना पहला सही ना दूसरा सही। पांचवा ऑप्शन है दोनों सही। अब सुनो मैंने क्या बोला, यस नो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है लॉजिक। जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, आज बड़ी बारीकी से क्वेश्चन समझाऊंगा भाई। मेरा मानना यह है कि एनालिटिकल रीजनिंग में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने से अच्छा है मैं आपको 10 करा दूं, लेकिन उन 10 को बड़ी डिटेल में समझा दूं ताकि आपके 500 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। इसलिए बड़ी डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे, तैयार रहो डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तैयार रहो। आज के बाद अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक गलत हुआ तो ये वीडियो फिर से देख लेना गलत मत होने देना पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक, ठीक है। समाज में नो होगा तब सही होगा ये बात आपने कुछ नहीं होता, पूरे लोग को करना चाहिए नो। अच्छा पूरे लोगों को नो करना चाहिए, ठीक है। इस बात पे एक दिन डिबेट करेंगे, अभी लास्ट में ही डिबेट करेंगे, है ना। मैंने मेरे को सिर्फ इतना समझाना था कि नो भी इंपॉर्टेंट है यस भी इंपॉर्टेंट है। क्या दहेज प्रथा सही है, यस करके उसका अगर लॉजिक अच्छा दिया है तो फिर वो सही होगा, ठीक है। करेंगे ये क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं, यहां देखो सुनो जल्दी से पढ़ो। पहली चीज तो मैक्सिमम बच्चों को ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंग्रेज बनते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर उनको कुछ समझ में आता नहीं, है ना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी पढ़ते हैं उनको भी कुछ समझ में आता नहीं। तो ऐसे टॉपिक में कभी भी आप ना अपने आप को इंग्लिश मीडियम समझना ना आप हिंदी मीडियम समझना, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो कंफ्यूज कर देंगी, इसलिए आप दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलना। देखते हैं आज सबके गलत होंगे। शुड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हायर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजीज बी प्राइवेटाइज्ड, हर बच्चे का गलत होता है ये चैप्टर, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। शुड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हायर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट IITs बी प्राइवेटाइज्ड, क्या सरकार को स्थापित उच्च स्तर तकनीकी संस्थानों का निजीकरण कर देना चाहिए। अब देखना ध्यान से सुनना, IITs को प्राइवेटाइज्ड कर रहा है। अब कई बच्चे इमोशनल हो जाएंगे, इमोशंस नहीं चलते लॉजिक चलते हैं, इमोशनल हो जाएंगे सर IITs प्राइवेटाइज नहीं करनी चाहिए, और जैसे नो की तरफ वो गए यस वाले को पहले ही गलत कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, सर IIT प्राइवेटाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नो की तरफ चले गए, यस दिखते ही गलत कर देंगे। पहली गलती तो यही होती है क्योंकि आप पहले ही उसके विरोध में खड़े हो। आप पहले, मैं मुझे मालूम है आज सरकार हर चीज को का निजीकरण कर रही है, रेलवे बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया, ये मुद्दा चल रहा है, इसलिए आप इसके अगेंस्ट पहले ही खड़े हो गए और आपने दोनों गलत कर दिए, है ना। तो ऐसा मत करना मेरे भाई, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अब सुनना करना क्या है, आज की क्लास में ये समझ लो, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, आप बनोगे मंत्रिमंडल, और मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मंत्रिमंडल बनोगे तो आप जवाब दोगे आज लॉजिक दोगे। आपने बोला यस कर देना चाहिए, मतलब कुछ बच्चों ने बोला यस कर देना चाहिए, मेरे कुछ मंत्री ऐसे आए जिन्होंने बोला कर देना चाहिए प्राइवेटाइज्ड। फिर मैंने पूछा, अरे निर्मला सीतारमण जी क्यों प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, लॉजिक तो दो, तो लॉजिक दिया। प्राइवेटाइजेशन विल मेक दीज इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल हेल्दी कॉम्पिटिटिव क्वालिटी कॉन्शियस, हाँ कर देना चाहिए। अब ये कर देना चाहिए तो इसका फायदा होना चाहिए, अब इसका फायदा होना चाहिए तो फायदे गिनवाओ। फायदे गिनवा रहा है क्या ये, क्या ये लॉजिक फायदे गिनवा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के फायदे गिनवा रहा है। प्राइवेटाइजेशन अगर हुआ तो फाइनेंशियल हेल्दी तो होंगे, सरकार के ऊपर बर्डन हट जाएगा, सच बात है, फाइनेंशियल हेल्दी होंगे ये सच बात है, कॉम्पिटिटिव भी होंगे। भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्पिटिशन तो लगा रहता है, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, LPU ने ये किया, अमिटी ने ये किया, उस वो यूनिवर्सिटी ये बेस्ट है, तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, क्वालिटी कॉन्शियस भी होंगे। भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन क्वालिटी पे तो काम करेगा ना। मैंने IIT ले ली, IIT दिल्ली, तो मैं तो कहूंगा ना कि मेरी IIT दिल्ली IIT कानपुर से बेटर होगी,
ऑब्वियसली मैं उस चीज पे एफर्ट्स लगाऊंगा। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्वालिटी कॉन्शियस, फाइनेंशियल हेल्दी और कॉम्पिटिटिव बनेगा। ये गुणवत्ता के प्रति सचेत रहेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आर्थिक रूप से दृढ़ बनेंगे। पहला लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक दे रहा है। आपने पता है जिन्होंने दोनों गलत किए उनके माइंड में पहले ही नो आ गया, और जैसे पहले नो आया तो वो मंत्री बन गए जो विरोध में खड़े हैं। ना नहीं करना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल करो, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आप यस सेलेक्ट करो, पहले बोलो यस तो मैं इसके समर्थन में हूं, मैं इसके समर्थन में हूं तो मेरा लॉजिक क्या इसके समर्थन को सपोर्ट कर रहा है? हां कर रहा है। पहला लॉजिक सही हुआ, थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट समझते हैं अगला, बड़ी बारीकी से समझाऊंगा आज एग्जांपल। हर मैंने ये कहा ना शुरुआत में कि किसी भी टीचर ने आज तक यूट्यूब पे डिटेल में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया मैं बताता हूं, कैसे पढ़ा रखा है, यही एग्जांपल बताता हूं लास्ट में कैसे पढ़ा रखा है टीचर्स ने। सुनो, यस कर देना चाहिए। अब देखते हैं इसके समर्थन में जा रही है बात, तो ये वो मंत्री आ गए जो इसके समर्थन में बोल रहे हैं प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक दे रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने बोला ना आज प्रधानमंत्री बनूंगा, मैंने मेरे मंत्रियों से पूछा, हां जी मंत्री जी बताओ प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहिए? मंत्री बोल रहा है कर देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन इज की द न्यू एरा, कैन वी सर्वाइव विदाउट इट? हां, निजीकरण नए युग की कुंजी है, क्या इसके बिना हम गुजारा कर सकते हैं? ये एक इलॉजिकल बात बोल रहा है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही बेस्ट है, प्राइवेटाइजेशन के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। प्राइवेटाइजेशन आजकल के युग की नई कुंजी है, आजकल के युग की डिमांड है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो सब कुछ प्राइवेट कर दो, फिर तो इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। तो फिर तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी प्राइवेट बन जाएगा, फिर तो कस्टम इंस्पेक्टर भी प्राइवेट बन जाएगा, फिर तो तुम मंत्री भी प्राइवेट बन जाओगे, फिर तो मैं प्रधानमंत्री भी प्राइवेट बन जाऊंगा, फिर तो सब कुछ प्राइवेट बन जाएगा। अगर इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता तो सरकार भी प्राइवेट बन जाएगी, है कि नहीं? तो ये एक इलॉजिकल बात बोल रहा है। तो यस नो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। बोलो पहले क्वेश्चन में मजा आया? अब सुनो टीचर्स ने कैसे पढ़ाया है। टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया, क्या सरकार को आईआईटीज प्राइवेटाइज्ड कर देनी चाहिए? हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल हेल्दी होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, क्वालिटी कॉन्शियस होंगे। हाँ कर देना चाहिए क्योंकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, पहला सही है। नहीं करना, कर देना चाहिए क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चला सकते, ये एक इलॉजिकल बात बोल रहा है, गलत है। अगला क्वेश्चन, ऐसे पढ़ा है, इस वजह से हर स्टूडेंट का गलत होता है, क्योंकि आपकी सोच, बच्चे भी पता क्या चाहते हैं, सर 10 क्वेश्चन की जगह 100 करा दो। सबसे बड़ी गलती, अरे भाई 100 की जगह 10 कर लो, बट बड़ी डिटेल में कर लो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन में लॉजिक समझ में आया तो थम्स अप करो और लाइक करो जल्दी से। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, आज बड़ी डिटेल में सीख के जाएंगे भाई, आज की क्लास कितनी लंबी क्यों ना चली जाए, बड़ी डिटेल में चीजें सीखेंगे। दूसरा बताओ, बट आज के बाद इस टॉपिक से डर नहीं लगना चाहिए, इतने बच्चों का कॉल आता है, सर जी वो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है ना, वो हमेशा गलत हो जाते हैं। मैं कहा कैसे सोचता है? बोला सर सोचता ही ना, ऐसे ही टिक करके आ जाता हूं। मैं कहा अपनी सोच डेवलप कर, आज पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। आपने स्कूल में कितना सीखा, आपने कॉलेज में कितना सीखा, हर एग्जाम में आता है भाई अक्षय कुमार, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये तो हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा। चलो दूसरा पढ़ो, शुड वैकेशंस ऑफ द कोर्ट जज बी रिड्यूस्ड? क्या न्यायालयों में अवकाश को कम कर देना चाहिए? जो कोर्ट में जज होते हैं ना, जो कोर्ट में जज जो फैसला सुनाते हैं ना, उनकी वैकेशंस छुट्टियां जो हैं, अवकाश जो हैं, वो कम करने की बात कर रहे हैं। फिर से मैं प्रधानमंत्री बन गया आज, मैंने आपसे पूछा बोलो मेरे मंत्रियों क्या कोर्ट के जजों की छुट्टियां काट लें? तो एक मंत्री बोला यस। मैंने फिर उठाया, बोल तेरा लॉजिक क्या है, क्यों यस? देखते हैं लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बोल रहा है कि अगर छुट्टियां कम कर दी तो, लॉजिक देखो, अगर छुट्टियां कम कर दी तो इट विल स्पीड अप जुडिशियल प्रोसेस एंड मैनी पीपल आर लाइकली टू जस्टिस इन रीजनेबल टाइम। यह न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा और कई लोगों को न्याय उचित समय पर मिल सकेगा।
मतलब अगर छुट्टियां कम कर दी तो न्यायिक प्रक्रिया को स्पीड अप करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर छुट्टियां कर दी तो न्यायिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी, और न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई तो बहुत सारे लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, केसेस जल्दी सोल्व होंगे। तो छुट्टियां कम अगर कर दी तो न्यायिक प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, अगर यस बोल रहे हैं, छुट्टियां कम करवा रहे हैं, तो मंत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि गुरुजी कर दो कम, क्योंकि अगर कम कर दिया तो जल्दी न्याय मिलेगा और बहुत सारे केसेस जल्दी सोल्व होंगे, और बहुत सारे केसेस जल्दी सोल्व होंगे तो बहुत सारों को जल्दी न्याय मिलेगा, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो पहला लॉजिक बिल्कुल सही दे रहा है, फर्स्ट करेक्ट सेकंड रॉन्ग ये बोल रहे हैं, देखते हैं। सेकंड आ जाओ भाई, यस कम कर दो, हां कम कर दो भाई, तो ठीक है। मैंने मंत्री से पूछा, बोल मेरे मंत्री क्यों कम कर दें, बोला इट इज द साइन ऑफ ब्रिटिश लेजेसी, व्हाई शुड वी कैरी इट फर्दर, यह ब्रिटिश विरासत का संकेत है, इसे आगे क्यों ले जाना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि ये तो ब्रिटिश का रूल है, छुट्टियां तो ब्रिटिश के रूल है, हम उनको क्यों फॉलो करें। ये एक बेतुकी बात बोली है। अगर ये बात से अगर आप इसको सही कर रहे हो तो फिर तो ब्रिटिश के तो बहुत सारे एक्ट भी हैं, पुलिस एक्ट भी ब्रिटिश ने बनाया था, एजुकेशन एक्ट भी आज भी वही चल रहा है, बहुत सारे धाराएं भी वही चल रही हैं, अपना संविधान भी बहुत सारे देशों से मिलकर के बनाया गया था। फिर तो आप ये कहोगे आने वाले टाइम में ऐसे कैसे मंत्री बनोगे यार आप लोग बताओ। तो ये एक फालतू की बात बोली, तो दूसरा लॉजिक बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा, हाँ हाँ हर एक एग्जाम में आते हैं भाई, आज का टॉपिक ही ऐसा है जो लेटेस्ट ऐड हुआ, ताजा ताजा, बिल्कुल उबलते उबलते, जैसे उबलते उबलती क्या पसंद आपको, गरम गरम, जो भी उबलती उबलती चीज पसंद है वही है ये क्वेश्चन। ताजा ताजा समोसे लगा लो, जलेबी लगा लो। तो पहला लॉजिक सही दिया, क्योंकि अगर छुट्टियां कम की, अब मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देना, बड़े बड़े कमेंट करना, आज चैटिंग होगी आपकी और मेरी। अगर मैं यहां नो दे देता, ऐसा क्या लॉजिक देता कि मैं उस नो को सही करता, ऐसा क्या लॉजिक देता जिसमें मैं उस नो को सही करता, मतलब मैं नो बोल रहा हूं और ऐसा आप लोग बताओ ऐसा क्या लॉजिक देता जिससे मैं नो को सही कर पाता। मैं मेरा लॉजिक बताऊंगा, मैं नो को सही करके दिखाऊंगा, देखना। हाँ हाँ यूपीएसआई में तो खूब नारियल वाला बर्फी नमक वाला, आपने वो मेरी वीडियो देख ली क्या, मेरी एक चैनल है जिसमें मैं और मेरी वाइफ वीडियो डालते हैं, विक्रमजीत सर फैन क्लब, ठीक है, सर्च करके एक बार देख लेना, ठीक। तो उनमें कुछ ऐसी कॉमेडी की वीडियो डाल देते हैं हम कभी कभी, फालतू का टाइम होता है तो भाई, है ना। देखो अब देखो मैं लॉजिक बताता हूं, नो नहीं कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर छुट्टियां कम की तो जजेस के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, काम का लोड बढ़ेगा, काम करने का लोड और काम करने के प्रेशर की वजह से, जजेस के ऊपर प्रेशर की वजह से, काम करने की प्रेशर की वजह से जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत हो जाएंगे, जजेस को सोचने का टाइम नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कुछ फैसले गलत हो जाएंगे, इसकी वजह से कुछ गलत लोगों को गलत न्याय मिल जाएगा, कुछ बेगुनाह फंस जाएंगे और कुछ मुजरिम छूट जाएंगे, जिसकी वजह से छुट्टियां नहीं कम करनी चाहिए। ये लॉजिक अगर होता तो नो को भी वो सपोर्ट करता कि हाँ भाई बात तो लॉजिकल है कि वर्कलोड अगर हम बढ़ा देंगे, संडे की छुट्टी भी इसलिए शुरू की गई थी कि वर्कलोड कम किया जाए, अब सैटरडे संडे की छुट्टी भी इसलिए की गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो ना, सैटरडे संडे की भी छुट्टी इसलिए की गई है कि वर्कलोड एम्प्लॉय पे कम हो, जिससे मंडे टू फ्राइडे वो बड़े अच्छे से काम कर सके। तो अगर छुट्टियां कम कर दी तो वर्कलोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से जजेस को सोचने का टाइम मिल ही नहीं पाएगा और वो जल्दबाजी में गलत न्याय दे देंगे, जिसकी वजह से इनजस्टिस हो जाएगा। और भारत के कानून में भी यही कह रखा है कि 10 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसे कुछ गलत लोगों को न्याय मिल गया और
अन्याय हो जाएगा, वो न्याय का अन्याय हो जाएगा जिसकी वजह से नो को सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? तो मैंने कहा ना, यस या नो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ो, बड़े अच्छा लेवल का चैप्टर है ये, सब डरते हैं इसे। स्टेनोग्राफ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्टेनोग्राफ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वही है जो एसएससी की स्ट्रेटेजी है, और एसएससी की स्ट्रेटेजी में बना चुका। कैसे आएंगे आपके 50 में से 50? बड़ी बारीकी से स्ट्रेटेजी बनाई थी, बड़ी डिटेल में स्ट्रेटेजी बनाई थी, डाल रखी है इस यूट्यूब चैनल पर, देखो। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करते जाओ भाई हर बच्चा, ठीक है। आज बड़ी डिटेल में बातें करेंगे यार। शुड द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द क्लेरिकल कैडर एम्प्लॉय फ्रॉम वन सिटी टू अनदर गवर्नमेंट ऑफिसेज बी स्टॉप्ड? क्या एक शहर से दूसरे सरकारी कार्यालयों में लिपिक कैडर, मतलब क्लर्क जो होते हैं, लिपिक कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतर की प्रथा को बंद कर देना चाहिए? जो क्लर्क जो होते हैं, जिनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर तो वैसे तो हर पोस्ट पे हो जाता है, इंस्पेक्टर पोस्ट पे भी होता है, हर एक पोस्ट पे होता है, लेकिन यहां बात चल रही है क्लर्क की। तो जितनी स्टेटमेंट दी है उतनी ही सोचना, ठीक है। जितनी स्टेटमेंट दी है उससे बाहर मत सोचना। क्लर्क के बारे में बात चल रही है तो क्लर्क के बारे में बात करो कि क्लर्क का जो ट्रांसफर होता है, जैसे आप सीएचएसएल क्लर्क बनोगे, आप कोई भी एग्जाम देकर के क्लर्क बनोगे, या सीजीएल के थ्रू भी अपर डिवीजन यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क अगर नीचे वाली पोस्ट आपको मिल गई, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपका जो ट्रांसफर है, जो दिल्ली से मुंबई हो गया, मुंबई से चेन्नई हो गया, या एक शहर से दिल्ली से कानपुर हो गया, कहीं पर भी जहां ट्रांसफर होता है वहां पर जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है उसको बंद कर देना चाहिए। अब आप कहोगे हाँ जी गुरु जी बंद कर दो, हमारे लिए तो मौज है, इमोशंस के साथ मत खेलो। देखना सबके गलत जवाब आएंगे, देखना आज की क्लास में सब गलत कर रहे हैं। कोई बोल रहा है बहुत करेक्ट, कोई बोल रहा है ना पहला ना दूसरा, कोई बोल रहा है पहला करेक्ट। ध्यान से सुनना, लॉजिक ध्यान से बोल रहे हैं, नो नहीं, बंद नहीं करनी चाहिए, मतलब ट्रांसफर होते रहने चाहिए, मतलब जो ट्रांसफर की प्रक्रिया जो चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है, मतलब ये बंद नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर बंद कर दिए ट्रांसफर तो नुकसान होगा, क्या इस स्टेटमेंट में नुकसान शो कर रहा है? देखते हैं क्या इस कथन में, इस अंतरक में नुकसान शो कर रहा है बंद करने का। देखते हैं, नो कर रहा है तो विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो इसका नुकसान बताएगा, बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। अगर इसके बंद करने के नुकसान बताएगा तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय इज द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, द मूव विल क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। नहीं, कर्मचारियों का स्थानांतरण एक सामान्य प्रशासनिक मामला है, यह कदम प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा। वो ये कह रहा है कि ट्रांसफर जो होते हैं वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मतलब पूरी प्लानिंग से, पूरी रूटीन से ट्रांसफर किया जाता है। अगर एक क्लर्क दिल्ली से मुंबई गया तो कोई दूसरा क्लर्क जो है, कोई दूसरा क्लर्क किसी और शहर से दिल्ली आएगा, कोई एक क्लर्क मुंबई से किसी शहर में गया तो कोई दूसरा क्लर्क उसकी जगह पे आएगा। तो ट्रांसफर जो होते हैं वो बड़ी प्लानिंग से एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। अगर इनको बंद कर दिया, अगर इनको बंद कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। प्रशासनिक कठिनाइयां क्या उत्पन्न हो जाएंगी अगर क्लर्क ट्रांसफर कर दिए तो देखो सुनो, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है वो एक ही जगह पे काम कर रहा है तो उसके लोकल लिंक्स बन जाएंगे जिससे करप्शन होने का ज्यादा खतरा है। भाई आप हो, आपको पता है कि आपका पड़ोसी इसी ऑफिस में काम करने वाला है तो उससे लिंक बनाओगे ना काम निकलवाने के लिए, है ना। तो ट्रांसफर अगर नहीं हुआ तो लोकल लोगों के साथ ज्यादा जानकारी हो जाएगी जिससे करप्शन बढ़ सकता है, तो प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। एक और लॉजिक देता हूं, ट्रांसफर अगर बंद कर दिए तो एम्प्लॉयज के अंदर आपस में इतनी ज्यादा गहरा संबंध हो जाएगा जिससे एम्प्लॉयज की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी।
भाई आपको पता है आप और मैं एक ही ऑफिस में रहने हैं, पूरी जिंदगी इसी ऑफिस में काटनी है, और जहां पूरी जिंदगी काटनी है, जहां घर से ज्यादा समय बिताना है, वहां तो हम काम चोरी कर सकते हैं ना। मेरी जगह पे आप थोड़ी मदद कर दो, कई बार ऐसे ही साइन करने में आपकी जगह मैं मदद कर दूं, है ना, आपस में मिलजुल करके, जिससे ट्रांसफर रुकेगा तो आपस में मिलजुल करके काम चोरी बढ़ेगी, इसलिए ट्रांसफर बिल्कुल सही है। आपको पता ही है एक साल मेरे साथ काम करेगा और एक साल के बाद कहीं और चला जाएगा, तो ये गहरा जो संबंध है ना ये रोकना जरूरी है, जिससे कि लिंक कम बने। तो पहला लॉजिक बिल्कुल सही दे रहा है, पहला लॉजिक बिल्कुल सही दे रहा है। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि उसमें तो नहीं दे रहा ना कि क्या कठिनाई हो रही है। देखो बच्चे, इसमें ये नहीं बोल रहा कि कठिनाई क्या हो रही है, बट इसमें अगर ये वर्ड यूज कर दिया ना कि मूव विल क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, यह कदम प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, इसका मतलब अगर हम इस नो को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफर बंद नहीं होने चाहिए, तो मैं ये लॉजिक दे रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाएंगी, कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। हां, कठिनाइयां तो उत्पन्न होंगी, थोड़ा बहुत तो आपको भी सोचना है। सारी बातें यहां पर नहीं दे जाएंगी। अगर एक बात बताओ, सारी बातें यहां पर दे दी तो सोचेगा कौन, और अगर सोचेगा नहीं तो सोल्व करेगा कौन, या फिर हर कोई सोल्व कर देगा। अगर सारी बातें जो मैं समझा रहा हूं वो अगर यहां लिख दी तो हर बच्चे को लॉजिक समझ में ही आ जाएगा। यही तो मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की क्लास में आपकी सोच डेवलप करूंगा कि कैसे कैसे सोचना है, ठीक है। तो पहला लॉजिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यस बंद कर देना चाहिए। अब सुनो, अगर ये यस बोल रहा है, ये यस बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफर बंद कर देना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर बंद कर देना चाहिए, ट्रांसफर बंद करवाना चाह रहा है। ये मेरा एक ऐसा मंत्री है जो मेरे को कह रहा है कि ये बंद कर दो गुरुजी ट्रांसफर। मैं पूछ रहा हूं क्यों बंद कर दें, तो फिर नुकसान गिनवाएगा। क्या इसमें नुकसान गिनवा रहा है, देखते हैं। अगर नुकसान गिनवा रहा है ट्रांसफर के तो सही है, अदरवाइज गलत है। अगर नुकसान गिनवा रहा है ट्रांसफर के तो सही है, अदरवाइज गलत है। ट्रांसफर के नुकसान, ठीक है ना, इसमें तो बंद करने के नुकसान गिनवाए थे, क्योंकि ये बोल रहा है बंद नहीं करने चाहिए थे, तो बंद करने के नुकसान गिनवाए। हां, इसमें जो है यस बोल रहा है बंद कर देने चाहिए, मतलब ट्रांसफर होने के नुकसान गिनवाएगा। भाई ये बोला था ट्रांसफर बंद नहीं करने चाहिए, मतलब ट्रांसफर होते रहने चाहिए, ट्रांसफर होते रहने चाहिए मतलब ट्रांसफर बंद करने के नुकसान थे, बंद करने के नुकसान थे। इसमें ट्रांसफर हो बंद नहीं करने चाहिए, ये बोल रहा है यस, ट्रांसफर यस बोल रहा है, यस बोल रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो स्टॉप्ड को स्टॉप सपोर्ट कर रहा है कि बंद कर देने चाहिए, इसका मतलब ट्रांसफर होने के नुकसान गिनवाएगा। क्या इन नुकसान गिनवा रहा है, देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकन्वीनियंस टू मेनी कंपेयर टू बेनिफिट्स इट यील्ड। हां, इसमें शामिल सरकारी व्यय तथा कई असुविधाओं की तुलना में उत्पादन कम है। हिंदी थोड़ी गड़बड़ होगी, कई सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं हैं, कई सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं हैं, ठीक है। वो ये बोल रहा है कई सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं हैं, उत्पादन कम है या असुविधाएं, एक ही बात है। यहां लिख लो असुविधाएं हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि हां, इसमें सरकारी व्यय लगेगा, ऑब्वियसली ट्रांसफर जब होगा तो सरकार का खर्चा तो बढ़ेगा। भाई ट्रांसफर अगर करेगी सरकार तो सरकारी खर्चा उठाएगी, है ना, तो सरकार का खर्चा तो बढ़ेगा। पहला लॉजिक तो बिल्कुल सही दे रहा है कि हां बंद कर देना चाहिए क्योंकि सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। एक और लॉजिक बोल रहा है, कई सुविधाओं की तुलना में असुविधाएं हैं। वो सुविधाओं को इग्नोर नहीं कर रहा, वो बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर रहा, वो बोल रहा है बेनिफिट तो है बट बेनिफिट्स के अलावा
कई असुविधाएं भी हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी असुविधाएं हैं और क्लर्क को भी असुविधाएं हैं। अब आप हो पिछले तीन साल से दिल्ली में काम कर रहे हो, एकदम से नोटिस आ गया कि अब आपको चेन्नई में काम करना है, तो एकदम से कल्चर बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, माहौल बदल गया, खाना पीना बदल गया, घर बदल गया, परिवार बदल गया, पड़ोसी बदल गए, सामने वाली खिड़की बदल गई, सब कुछ बदल गया एकदम, तो आप थोड़ा डिप्रेशन में पहुंच सकते हो कि यार पता नहीं कहां पहुंचा दिया। अब मैं तो वहां बड़े आराम से हिंदी बोलता रहता था, यहां करता रहता हूं, अयो राम अय द्रप्पा, तो असुविधाएं तो आपको भी होंगी, सरकार को भी होंगी, क्योंकि आप अगर एनर्जेटिक नहीं रहे तो काम अच्छे से नहीं करोगे, काम अच्छे से नहीं करोगे तो काम में भी नुकसान होगा, तो सरकार को भी नुकसान है। हाँ, ये जो है इस यस को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये लॉजिक भी सही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस एग्जाम्पल में बच्चे अपने लॉजिक पहले ले आते हैं दिमाग में। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना शुरुआत में कि क्या दहेज प्रथा सही है, सब लॉजिक ले आए नो, और जैसे मैं आपसे पूछता नो कि नहीं, तो लॉजिक इतने दे देते आप, इतने दे देते दहेज प्रथा के लॉजिक, है कि नहीं। जब मैंने अब बताया था शुरुआत में कि कैट की प्रिपरेशन जब हम करते थे तो कई बार हमारे टीचर पता क्या करते थे, कोई एक टॉपिक देते थे, मान लो एक टॉपिक दे दिया दहेज प्रथा सही है, तो समर्थन में कौन कौन है हाथ उठा लो, हाथ उठते थे, विरोध में कौन कौन है, अगेंस्ट में कौन कौन है हाथ उठा लो, हाथ उठते थे, फिर जो समर्थन में हाथ उठाते थे ना उनको बोल देते थे आप अगेंस्ट बोलोगे, और जो विरोध में हाथ उठाते थे उनको बोलते थे आप समर्थन में बोलोगे। अब सोचो आपके दिमाग में किसी चीज का सपोर्ट चल रहा है, किसी चीज का समर्थन चल रहा है, और मैं आपको बोलूं कि आप उसके अगेंस्ट बोलो, क्या बोल पाओगे? नहीं, लेकिन सोच तभी डेवलप होगी। जैसे आप मोदी समर्थक हो और मैं आपसे मोदी समर्थक अगर आप हो तो मैं आपसे मोदी समर्थन में कोई पॉइंट पूछूं तो आप एक की जगह 10 पॉइंट बोल दोगे, लेकिन आप मोदी समर्थक होने के बाद भी मैं आपसे ये पूछूं मोदी के विरोध में बोलना, आपकी बोलती बंद। लेकिन दिमाग तभी खुलेगा जब आप मोदी समर्थक होने के बाद भी मोदी विरोधी बातें बोल पाओगे या सुन पाओगे, सहन शक्ति बोलने की और कहने की है, तो ही तो दिमाग खुलेगा। यही तो दिमाग खोलना है। इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि पहले यस नो डिसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। सर आपका सिलोजम की वाली 3 वीडियो देखी, आप पहले टीचर हैं यूट्यूब पे जो इस टॉपिक को इतनी आसानी से करवाया, वरना पहले हम गोले बना बना कर करते थे, पूरा गलत हो जाता था। थैंक यू सर। ओम प्रकाश, जितने भी बच्चे हैं मैं उनको सबको सजेस्ट करूंगा कि मेरी सिलोजम की जो 3 वीडियो हैं वो जरूर देख लेना, बड़ी बड़ी वीडियो हैं, 2x की स्पीड में देख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, कम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको कंप्लीट सिलोजम, बैंकिंग लेवल तक का करवा रखा है, पॉसिबिलिटी भी करवा रखी है, इवन लेटेस्ट जो टाइप है ओनली फ्यू वो भी करवा रखा है, तो जरूर देख लेना वो बाद में, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट का लॉजिक, बताओ भाई कौन पार्टिसिपेट करेगा, आज देखेंगे किसमें कितना है दम, आज तो दिमाग खुलेगा। आज जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हाँ मुझे रीजनिंग आती है, सबके गलत करवाऊंगा आज, आज की क्लास में तो बड़ा मजा आने वाला है, बताओ जल्दी से। समर्थक नहीं हो तो मैं समर्थक नहीं हो तो मतलब विरोधी हो, विरोधी हो तो मैं समर्थन में बोलने के लिए कुछ बोलूंगा, मतलब अल्टीमेटली मुझे आप पॉलिटिक्स में घुस गए, अल्टीमेटली मुझे टॉपिक पढ़ाना था, एग्जांपल दे करके कि जिस चीज के समर्थन में उसके विरोध में सोच के देखो, जिस चीज के विरोधी उसके समर्थन में सोच के देखो, तब दिमाग खुलेगा। पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, इस एग्जांपल में बोल रहा हूं, मेन मुद्दा यह है कि यस अगर बोल रहे हो तो पहले डिसाइड मत करो कि ना मैं तो नो की तरफ हूं, मत करो ऐसा कि मैं नो की तरफ हूं, या नो वाले बच्चे पहले डिसाइड मत करो ना मैं तो यस की तरफ हूं, पहले यस नो डिसाइड मत करो, यह दिमाग से निकालना है पहले। तो सबसे पहली गलती ये होती है बच्चों से, ऐसा क्या होता है कि इस चैप्टर में हर बच्चे से गलत होता है, गलती है कि पहले यस या नो डिसाइड कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। देखते हैं, शुड हायर क्वालिफिकेशन, क्या बोल रहे हो,
Should higher qualification be the only criteria for the internal promotion in any organization? In any के बाद organization है, ठीक है, in any organization, क्या उच्च योग्यता ही किसी संगठन में आंतरिक पदोन्नति का एकमात्र मापदंड है? वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या जब एक किसी संस्था में प्रमोशन होता है तो वहां पर हायर क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए कि किसने ट्वेल्थ कर रखी है, किसने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसने मास्टर डिग्री कर रखी है, किसने पीएचडी कर रखी है, किसने उससे भी ऊपर की डिग्री ले रखी है। जिसने जितनी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं उसका उतनी जल्दी प्रमोशन क्या ऐसा होना चाहिए? अब जैसे ही ऐसी स्टेटमेंट आई मन में पता क्या आएगा, ना गुरु जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ही दिमाग को ब्लॉक कर दिया आपको, आपके दिमाग को यही ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपने पहले ये डिसाइड कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट यस नो नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है लॉजिक। देखते हैं, यस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, लॉजिक इंपॉर्टेंट। देखते हैं, हो सकता है यस वाला भी सही हो सकता है, देखते हैं। बोल रहा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं भाई। इनफैक्ट हायर क्वालिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर फैक्टर। निश्चित ही उच्च योग्यता अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब हायर क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसी बात कर रहे हो, हायर क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये नहीं समझा रहे। एक तो बस जिद पे अड़े बैठे हो, नहीं हायर क्वालिफिकेशन मोर इंपॉर्टेंट है। भाई साहब प्रमोशन की बात हो रही है, प्रमोशन की बात हो रही है तो हो सकता है टेंथ फेल भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दे। मैनेजमेंट स्किल्स, काम करने का तरीका, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोई लॉजिक ही नहीं बोल रहा है ना। तो इलॉजिकल बात बोल रहा है, पहला गलत, ठीक। दूसरा नो, हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसका विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है तो इसका होने के नुकसान गिनवाएगा। अगर इसके होने के नुकसान गिनवाए तो सही है, नुकसान नहीं गिनवाए तो गलत है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अगर इसके हायर क्वालिफिकेशन से प्रमोशन होने के नुकसान गिनवाए तो सही है क्योंकि ये इसका विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो इसके नुकसान गिनवाएगा, इसके नुकसान गिनवाएगा। अगर इसके नुकसान गिनवाए तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर आर मोर इंपॉर्टेंट देन द हायर क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ इंटरनल प्रमोशन। नहीं, आंतरिक पदोन्नति के लिए प्रदर्शन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, काम करने का तरीका, मैनेजमेंट स्किल्स, बिहेवियर एंड अदर फैक्टर, और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स एक एम्प्लॉय में क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो मैं आपका प्रमोशन किस बेस पे करूंगा, आप कैसा काम करोगे उस बेस पे करूंगा ना। आप मान लो काउंसलर की जॉब पे हो और आप काउंसलर का ही काम नहीं कर पा रहे तो क्या मैं आपको मैनेजर बना दूंगा? ना भाई, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगेगा कि ये बंदा काउंसलर की चेयर पे बैठा है लेकिन इसके अंदर स्किल्स सबको मैनेज करने की हैं, ये 10 काउंसलर को मैनेज कर सकता है, ये 10 टेलीकॉलर को मैनेज कर सकता है, तो मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा हैं, इस बंदे के काम करने का तरीका अच्छा है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसी बच्चे की तो मैं इंटरनल प्रमोशन करूंगा, उसी बच्चे का तो प्रमोशन होगा, चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे वो निजी संस्था हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर हमेशा काम करने का तरीका ही तो देखा जाएगा। यानी कि हायर क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काम करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल बात बोल रहा है, लॉजिक बिल्कुल सही दे रहा है, यानी कि दूसरा सही। तो ये टॉपिक गलत क्यों होता है? क्योंकि पहले डिसाइड कर लेते हो, और जब जवानों से रिलेटेड, कारगिल से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड या ऐसी कोई इमोशनल बात आ जाती है तब तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और डिसीजन सही नहीं ले पाते कि मैं इसका विरोध करूं या समर्थन करूं। ऑब्वियसली पाकिस्तान नाम आते ही हर बंदे के मन में देशभक्ति जाग जाएगी, विरोध करना शुरू कर देंगे और वहीं गड़बड़ आ जाएगा और फिर वहाँ लॉजिक ऐसा मारेगा वहाँ पर कि आप सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए लॉजिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, डन।
डन है। मैं कौन से स्टेट से हूं? मैं हरियाणा से हूं भाई, हरियाणा से हूं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूं। बाकी मेरे स्टूडेंट हर स्टेट से हैं। कहां कहां से देख रहे हो कमेंट करो जल्दी से, ये पढ़ भी लेना, जल्दी से पढ़ो, पढ़ो जल्दी से, लाइक करते जाओ सेशन को फटाफट, कंजूसी मत बरतो इस सेशन में। आज का सेशन तो सबसे खतरनाक तरीके से पढ़ाने आया हूं मैं, बड़े अच्छे से कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा, लंबी क्लास लूंगा, बट ऐसा कराऊंगा कि आज के बाद सोचने की पावर बहुत बढ़ जाएगी। जल्दी से जवाब दो। अब देखो, अब थोड़ा सा मैंने आपको सोचना सिखा दिया, अब थोड़ा सा आपको सोचना सिखा दिया, तो अब आप जवाब देना शुरू कर देना, ठीक है। झज्जर, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, यूपी, झारखंड, एटा, वेस्ट बंगाल, चलो बहुत बढ़िया, हर जगह से। गुजरात, अंजलि ने जवाब दिया बोथ रॉन्ग। और कोई? यूके ने, यूके मिश्रा ने जवाब दिया सेकंड। और कोई? चलो देखो वो क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक ने दिया फर्स्ट, मैंने कहा ना इस चैप्टर से सबसे गलती होती है, कोई कितना ही महारथी कोई हो, टॉपर ऑल इंडिया, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, एट्थ रैंक, जो टॉपर मेरे स्टूडेंट आए ना उनसे भी इस चैप्टर में गलती होती देखी है। और आप टॉपर बनना, आपको टॉपर बनना है, बट आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे उसने बोला शुड इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग अब्रोड बी कॉल बैक टू इंडिया, क्या विदेशों के में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को वापस भारत में बुला लेना चाहिए। वो कह रहा है कि भारतीय जो साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं विदेशों में, उनको वापस बुला लेना चाहिए। देखो जैसे ये स्टेटमेंट आई कि वैज्ञानिकों को वापस बुला लेना चाहिए, आपके अंदर एक देश भावना जग गई और आपके अंदर देशभक्ति जग गई और आप एक बहुत प्योर देशभक्त बन गए और आपने सीधा सोचा यस बुला लेना चाहिए। मैंने कहा यस नो इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लास में चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, यस नो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर देशभक्ति जग गई, इमोशंस को कंट्रोल करो मेरे भाई, कंट्रोल उदय कंट्रोल, लॉजिक देखते हैं। बोल रहा है यस बुला लेना चाहिए, ठीक है मैं भी बोल रहा हूं यस बुला लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं सारे वैज्ञानिक को भारत बुला लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं सारे बिजनेसमैन को भी भारत बुला लेना चाहिए, सारे विदेशों में बड़ी बड़ी पोस्टों में जो बैठे हैं उनको भारत बुला लेना चाहिए, लेकिन मैं भी कह रहा हूं ये बात, लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक सही है। लॉजिक बोल रहा है दे मस्ट सर्व मदरलैंड फर्स्ट, फॉरगेट, ये वर्ड ध्यान सुनो, फॉरगेट अबाउट डिस्कवरीज, ओनर्स, फैसिलिटीज एंड ऑल। हां उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, वो अपनी डिस्कवरीज खोजों को भूल जाओ, अपने सम्मान को भूल जाओ, अपनी सुविधाओं को भूल जाओ, अपने पैकेज को भूल जाओ और सभी के बारे में भूल जाओ, बस भारत की सेवा करो, भारत की सेवा करो। ये थोड़े ज्यादा देशभक्ति हो गई वही, अपनी डिस्कवरीज, अपने पैकेज, अपनी फैसिलिटीज, अपने ओनर्स, अपने अवार्ड्स, अपने सम्मान को, सबको भूल जाओ, एंड ऑल भी लिख दिया, हर चीज वहां जो मिल रही है ना सब भूल जाओ, बस भारत में आ जाओ। ये थोड़ी ओवर देशभक्ति होगी, ये एक इलॉजिकल बात बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कल्पना चावला ने नासा में काम किया, हमें हमारे देश को गर्व है कल्पना चावला पे। आप कह रहे हो कल्पना चावला ने जितनी भी डिस्कवरीज की, जितना भी वैज्ञानिक रूप से उसने काम किया, नासा में, अमेरिका में जितने साल भी काम किया, वहां से जो भी ऑनर्स और अवार्ड्स उसको मिले, जो भी सैलरी और पैकेज उसको मिल रहा है, सब भूल करके ना भारत आ जाने चाहिए। ये थोड़ी ओवर देशभक्ति है, प्रैक्टिकली इतनी देशभक्ति नहीं है। जितने भी बच्चे यस बोल रहे थे कि सब कुछ भूल करके आ जाना चाहिए, मैं उनको बोलूं कि आज अमेरिका ने आपको 325 करोड़ का पैकेज दिया है, क्या आप अमेरिका नहीं भाग जाओगे? 325 करोड़। मैं एग्जांपल ये साइंटिस्ट का है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा बिजनेस से रिलेटेड,
वही एग्जांपल आप साइंटिस्ट से फिट कर दे कर देना। एक नाम सुना होगा आपने, सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ हैं, है ना। भारत को सुंदर पिचाई पे बहुत गर्व है, बहुत प्राउड है। सुंदर पिचाई ने भारत में एजुकेशन ली, आईआईएम से वो पढ़े और अब गूगल के सीईओ हैं। और गूगल के सीईओ बनने के बाद अब उनका पैकेज जो है, पता नहीं शायद 325, शायद वर्ड यूज कर रहा हूँ पता नहीं, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही होगा, सालाना 325 करोड़ या 330 करोड़ का उनका पैकेज है। आप कह रहे हो उस सारे पैकेज को छोड़ छाड़ के ना यहाँ की किसी कंपनी में 20-30 करोड़ के पैकेज पे काम कर लो, भारत की मातृभूमि भूमि की सेवा कर लो, यहीं से पढ़े हो यहीं पढ़ लो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई बंदा 300 प्लस करोड़ का पैकेज छोड़ करके यहाँ 30 करोड़ में काम कर लेगा? नहीं पॉसिबल है, छोड़ के चले जाओगे। तो आप इमोशंस, अच्छी बात है देशभक्ति, बट इतनी देशभक्ति नहीं कि सब कुछ भूल करके ना मातृभूमि की सेवा, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली है ही नहीं, ठीक है। तो लॉजिक गलत है। जितने भी फर्स्ट को सही कर रहे थे वो सारे बहुत ज्यादा देशभक्त बन गए थे। सर बुला लो, मेरे बुलाने से आते हैं ना तो पक्का बुला लेता भाई। बट आप यहाँ क्वेश्चन पे देखना कि नहीं, इतनी सारी चीजें भूल करके नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, अब इसको सही कैसे करते, सही कैसे करते वो भी तो सोचना है। अगर लॉजिक दिया होता यस, अगर उनको वही पैकेज, वही फैसिलिटी, वही अवार्ड्स, वही ओनर और वही डिस्कवरीज और वही फैसिलिटी, वही टेक्नोलॉजी भारत में प्रोवाइड कर दी जाए तो उनको वापस बुला लेना चाहिए, तो सही है, तो लॉजिक सही है। अगर मैं ये बोलता कि वहां जो मिल रहा है वो यहां पर मिल जाए तो उनको बुला लेना चाहिए। सुंदर पिचाई ने दिमाग लगा रखा है, गूगल को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो अगर उतना ही पैकेज भारत की किसी कंपनी में मिल जाए तो भारत की कंपनी को भी यहां से लेकर के वहां तक पहुंचा देंगे, क्योंकि दिमाग तो उनका ही है ना। अगर ऐसा लॉजिक दिया होता तो सही होता, ठीक है। ऑफलाइन भाई अभी कुछ नहीं पता, मुखर्जी नगर में कब से शुरू हो जाएंगी, उम्मीद तो है सितंबर से शुरू हो जाएंगी, बट अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि थर्ड वेव आ गई, तो छोड़ो। हाँ, गुरुकुल जल्दी से शुरू हो जाएगा, रैंकस गुरुकुल जल्दी से शुरू होने वाला है, ठीक है। चलो शराब पिया हुआ हम आपके बुलाने पे आएंगे, चलो आ जाओ, तो मंत्री की फीलिंग ले लो, आ जाओ। बोल रहे हैं नो, नहीं नहीं बुलाना चाहिए, लॉजिक देखते हैं। वी हैव एनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट। नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है, उन्हें जा रहना रहने दे। ये एक हाइपोथेटिकल इगोस्टिक जवाब है, कोई भी देश ऐसा जवाब नहीं दे सकता कि हमारे पास बहुत टैलेंट है उनको जा रहना रहे। मैं बोल रहा हूं आप मेरे मंत्रिमंडल में हो, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं जितने भी साइंटिस्ट है ना उनको वापिस बुला लेते हैं। कल्पना चावला अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मान लो होती तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कल्पना चावला को वापिस बुला लेना चाहिए? आप जवाब दे रहे हो ना नहीं बुलाना चाहिए, हमारे पास बहुत टैलेंट है उनको जहां रहे रहे। ऐसी कल्पना चावला हर घर में पैदा होती है, हर गली में साइंटिस्ट घूम रहे हैं हमारे यहाँ, घर हर दूसरे घर में तो एक वैज्ञानिक पैदा हो रहा है। हमारे पास इतना टैलेंट है, यहां जा रहा हूं तो मोबाइल खुला पड़ा है, आगे जा रहा हूं तो फिर कोई और नई टेक्नोलॉजी चल रही है ना, तो हमारे पास बहुत टैलेंट है। ऐसी बात तो चाइना, जापान, अमेरिका, बड़े बड़े महान देश भी, महान तो भारत भी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं बोल सकते, किसी भी देश को बोलना भी नहीं चाहिए, बोल भी नहीं सकता। ये एक इगोस्टिक जवाब है, बहुत घमंडी जवाब है कि है हमारे पास बहुत टैलेंट है, जहां रहे तुम रह लो, हमें ना जरूरत, यहां आने की जरूरत मत करना। तो ये भी लॉजिक गलत है। आज बड़े मजेदार तरीके से समझाऊंगा आपको हर एक लॉजिक, मजा आ रहा है ना, लाइक करते जाओ, आज के सेशन में मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो टॉपिक किसी को नहीं आता उसमें मुझे बड़ा मजा आता है, और जो किसी को पढ़ाना ही नहीं आता उसमें तो डबल मजा आता है। लॉजिक देने ही नहीं आते, बस ये बता दिया देख बच्चे ये गलत है, ये बच्चे गलत है, अरे ये तो आंसर ना देख लेंगे, मेन तो लॉजिक है। पढ़ो, सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ते वक्त तो लग रहा था सही है, लेकिन आप जब समझाते हो तब समझ में आता कि हाँ हम गलत थे। ये इसी की वजह से तो सोच डेवलप करनी है। जल्दी से मजा आ गया सर, चलो तो मजा ही आना चाहिए।
शेयर नहीं करते भाई, मजा आ गया तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो जल्दी से, शेयर पे क्लिक करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, लिख दो वहां पे बड़े खतरनाक क्लास चल रही है जल्दी से लाइव आओ, और ग्रुप में शेयर कर दो तो सुभान अल्लाह मजा ही आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो। शुड गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन बी इनकॉर्पोरेटेड एज द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। फिर से मैं प्रधानमंत्री बनने आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, उसको मौलिक अधिकार बना देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। बोल रहा है नो, नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए तो बनाने का नुकसान गिनवाएगा, ऑब्वियसली नहीं बनाना चाहिए तो बनाने का मौलिक अधिकार बनाने का नुकसान गिनवाएगा, तभी तो विरोध कर पाएगा। मंत्रिमंडल कोई उठ के आया और आशीष जी मंत्री जो हैं वो बोले मेरे को कि गुरुजी मत बनाओ, मैंने कहा अच्छा ठीक है तेरी बात मान लेते हैं नहीं बनाते। उसने कहा व्हाट इज द यूज, हैव वी फुलफिल्ड द ड्यूटीज रिगार्डिंग अदर फंडामेंटल राइट्स, इसका क्या यूज है, क्या हम दूसरे मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। ये एक फालतू का लॉजिक दिया है। पहली बात तो हम अपने मौलिक अधिकारों का कर्तव्य पूरा करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, हर किसी को करना भी चाहिए। तो ये तो लॉजिक गलत हुआ कि हम अपने ऑलरेडी जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रति ही कर्तव्य पूरा नहीं करते तो इसकी क्या जरूरत है। तो ये लॉजिक गलत। दूसरी बात, मान लो हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं भी करते तो भी ये कौन सी लॉजिकल बात है कि कोई एक मौलिक अधिकार का कर्तव्य पूरा नहीं करते तो दूसरा मत लेके आओ, मतलब कोई एक रूल फॉलो नहीं करते तो दूसरा रूल मत लेके आओ। मैं इसको रिलेट कर, हालांकि ये मौलिक अधिकारों की बात है लेकिन मैं इसको रिलेट करूंगा ट्रैफिक रूल से। एक बार अभी ट्रैफिक रूल्स आए दिल्ली में, कुछ नए नियम लागू हुए, चालान्स जो है उनकी कीमत बढ़ा दी गई, कुछ नए ट्रैफिक रूल आ गए, तो क्या कोई मंत्री उठ करके ये बोल सकता था कि नए रूल की क्या जरूरत है, क्या हम पहले वाले रूल फॉलो कर रहे हैं। अरे ये कौन सा लॉजिक है भाई, पहले वाले रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो नए रूल्स मत लेके आओ, कि पहले पहले वाले पूरे करवाओ तब नया लेके आओ, ये भी एक इलॉजिकल बात है। ठीक है, बताता हूं गोपाल एक बार। नेक्स्ट वीक होगा डीके, उसमें पजल नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य पूरा करते हैं और नहीं भी करते तो यह कोई लॉजिक नहीं हुआ कि हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं करते तो एक और मौलिक अधिकार मत लेके आओ, ये एक फालतू का लॉजिक दे रहा है, पहला गलत। ठीक है, चलो उसके बाद यस कर देना चाहिए, मतलब मौलिक अधिकार कर देना चाहिए प्राथमिक शिक्षा को, क्यों कर देना चाहिए। अब मैं फिर से प्रधानमंत्री, आप मंत्रिमंडल, एक मंत्री बोला प्रिया अनु जो मंत्री हैं वो बोली मेरे को कि गुरुजी कर दो क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज में कर रखा है, विकसित देशों में कर रखा है। वही बात, ना किसी से कंपेयर करो ना रिलेट करो। फिर मैं प्रिया मंत्री को बोलूंगा कि भाई सिंपल सी बात है, दूसरे देशों में क्या कर रखा है इसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के अकॉर्डिंग सोचना है, तो दूसरे देश का लॉजिक गलत। ठीक है, तो दूसरे देश का लॉजिक गलत, दोनों गलत। तभी मैंने कहा था नो यस इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें नो बोल रहा था, इसका विरोध कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था, मतलब मौलिक अधिकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं विरोध नहीं कर रहा, ये इलॉजिकल बात बोल रही है ना। फिर यस बोल रहा था मतलब इसका समर्थन कर रहा था, मतलब मौलिक अधिकार कर देने चाहिए, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर देना चाहिए, लेकिन इसके समर्थन में कोई लॉजिक नहीं दे रहा। बोला कर दो, मखा क्यों, बोला डेवलप्ड कंट्री में कर रखे। अरे डेवलप्ड कंट्री में कर रखे तो क्यों कर दे, तो दूसरा भी गलत। ठीक, तो दोनों गलत, क्लियर हुआ, डन। चलो
नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से पढ़ो, और हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। अब आपका थोड़ा दिमाग खुल गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि डेवलप्ड नेशन के लिए एजुकेशन लागू करना चाहिए, इसलिए गलत। अच्छा, डेवलप्ड नेशन के बारे में कुछ भी आ जाए ना यूके मिश्रा, गलत कर देना। दूसरे देश से हमें कोई मतलब नहीं। यहां क्वेश्चन में वैसे तो बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। कहीं आप कल को मंत्री बन जाओ और सच में ये बोलो कि मेरे गुरुजी ने बचपन में सिखाया था, दूसरे देश से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। डन, छह में से एक ही सही हुआ है अभी तक। अरे हर बच्चे के गलत होते हैं, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होंगे, टेंशन ना लो। ये लॉजिक पढ़ लिया, चलो। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे नए बैच के बारे में, एक बार मैं वो इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बच्चे नए बैच के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना आरजी विक्रमजीत, ठीक है, आरजी विक्रमजीत, ठीक। प्ले स्टोर पे जाकर के ये स्पेलिंग देख लो, आरजी रीजनिंग गुरु विक्रमजीत, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, या फिर live.vikramjeet.in पर जा सकते हो लैपटॉप पर, ठीक है। live.vikramjeet.in लैपटॉप पर जाकर के 10 अगस्त को बैच शुरू हुआ है, ठीक है। अभी जो फीस चल रही है वो 700 रुपए है, अदरवाइज ये 900 रुपए हो जाएगी, जिसमें SSC बैंक, UPSI, UP SSC, UP के हर एक एग्जाम, बैंकिंग का SBI PO लेवल से भी ऊपर की पजल, इनपुट आउटपुट, मतलब हर एक टॉपिक बड़ी डिटेल में होगा। क्लास नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। कंटेंट और भी ज्यादा नया जो कंटेंट बन रहा है वो भी अपलोड होता रहेगा। दूसरी एक कमिटमेंट और है कि मान लो 6 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ नए क्वेश्चन आ गए, नए चैप्टर ऐड हो गए, या नया कंसेप्ट कोई ऐड हो गया, तो दोबारा से बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसी बैच में मैं अलग से, बैच कंप्लीट होने के बाद भी अलग से वीडियोज बना करके अपलोड करता रहूंगा, लाइव आता रहूंगा। मतलब बैच खत्म होने के बाद भी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, प्रैक्टिस तौर पर, मॉक टेस्ट के तौर पर, खत्म होने के बाद भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। मतलब बैच कभी भी खत्म नहीं करूंगा, ऐसा पहली बार हो रहा है, और ऐसा कोई टीचर नहीं करता। बैच खत्म करता है, छुट्टी, फिर नया बैच, छुट्टी। अब जितने भी बैच जो बन रहे हैं उन बैचेज में मैं अगर बैच खत्म हो गया उस दिन टाटा बाय बाय बोल दूंगा, उस दिन से प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दूंगा। मतलब अनलिमिटेड चीजें आपको मिलती रहेंगी, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये सारा रीजनिंग स्पेशल बैच में रहेगा, इसके साथ साथ आप कोम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जो सारे टीचर्स का है, उसकी डिटेल थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में उसने बच्चे क्या बोला, उसने बोला सो द डिपेंडेंट ऑफ कारगिल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच डेवलप करेगा, ध्यान से सुनना। Should the dependents of the Kargil matriarchs be given benefits of reservation in jobs? बहुत कुछ सिखाऊंगा इस एग्जाम्पल से, ध्यान से सुनना। उसने बोला क्या कारगिल शहीदों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? वो बोल रहा है कारगिल में जितने भी शहीद हुए थे देश के लिए, उसमें कारगिल में जितने भी शहीद हुए थे उसमें जो आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। पहला लॉजिक, यस, दिया जाना चाहिए, ठीक है। नागेंद्रा बताऊंगा आपका 30 days 30 class, उसमें 5 class है बच्चे। देखो जो 30 days 30 class का जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हो उसमें 5 class है, उसके बाद बच्चे कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट बन गई। भाई वहां 30 दिन पढ़ाता, अब मेरे को 2 महीने हो गए और अगले 6 महीने तक पढ़ाता रहूंगा, तो कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पर बहुत सारी वीडियोज हैं, ठीक है। जैसे आज भी, आज पूरा UPSI या बैंकिंग या SSC हर एक एग्जाम को फोकस करते हुए ये टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पूरी रीजनिंग सीखो, तभी एग्जाम क्लियर होगा, वो अदरवाइज नहीं होगा। फिर आप वहम में बैठे हो और इस वहम में कई साल निकाल दोगे, ये बात याद रखना, इस वहम में कई साल निकाल दोगे कि आप अगर एक एग्जाम पे फोकस करोगे, आप पूरा रीजन, पूरी रीजनिंग, पूरा मैथ्स जब तक नहीं सीखोगे, जो MTS वाले बोल रहे हैं, ठीक है। धर्मेंद्रा आ जाओ, यहां देखो, देखो अब बोल रहा है यस, कर देना चाहिए। जैसे कारगिल शहीदों की बात आई तो हमारे अंदर एक देशभक्ति फिर से जाग गई और हमारे अंदर इमोशंस जाग गए। हर बच्चे के अंदर यह आ जाएगा, यार कारगिल में जो शहीद हुए उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं बच्चे,
डिपेंडेंट्स भाई बहन भी नहीं होते, डिपेंडेंट्स का मतलब है उसके ऊपर आश्रित में, अगर कोई जवान होता है तो उसके ऊपर आश्रित उसके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा सातवां नहीं कराया क्या? ओके, अरे यार करवाऊंगा, सातवां करवाऊंगा, इसको बता देता हूं एक बार मैं। ठीक है चलो, रह गया ये, सातवां करवाऊंगा थोड़ी देर में, इसको बता देता हूं पहले, आ जाओ। तो बोल रहा है यस कर देना चाहिए। अब लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। वी शुड कीप द डिपेंडेंट्स हैप्पी एज कारगिल मैट्रियट्स फोट फॉर द नोबल कोज। हां, हमें कारगिल के आश्रितों को खुश रखना चाहिए क्योंकि कारगिल में शहीदों का आदर्श कारणों के लिए लड़ चुके हैं। भाई कारगिल में जो शहीद हुए हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, अपने देश को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, अपने देश का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने बचाया है और अपने पूरे देश की उन्होंने रक्षा की है। तो उनके जो बच्चे हैं उनको खुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की और हमारे देश के नागरिकों की और हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उनके बच्चों को अगर जॉब्स के अंदर थोड़ा रिजर्वेशन मिल गया तो कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, दे देना चाहिए। लॉजिक बिल्कुल सही है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो पहला तो सही, मैक्सिमम बच्चों का पहला सही आ रहा है। अब मेन मुद्दा तो सेकंड में समझाना है, मैंने कहा था ना इस एग्जांपल में बहुत कुछ समझाऊंगा, वो सेकंड में समझाऊंगा। बोल रहे हैं नो, नहीं देना चाहिए, नो नहीं देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। मेन तो वो बोल रहा है वी ऑलरेडी हैव टू मैनी रिजर्वेशन, लेट अस नॉट एड टू इट। हमारे पास पहले ही बहुत सारे आरक्षण है, इसमें एक और मत शामिल करो। देखो भाई ये तो एक सच्चाई है कि हमारे पास बहुत सारे आरक्षण है, हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी आरक्षण है और ऐड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ऑलरेडी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, इतने रिजर्वेशन दिए हैं तो और रिजर्वेशन ऐड नहीं कर सकते, हमारी लॉ में भी लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है। ये बात तो ठीक है बट, लेकिन जब ये बात सही है, जब ये लॉजिक सही है तो फिर ये ठीक होना चाहिए। बट ध्यान से सुनना, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, ये एक सच्चाई है, इसकी वजह से एक और रिजर्वेशन ऐड नहीं कर सकते, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन कारगिल में शहीद जो लोग थे वो कोई लाखों करोड़ों की संख्या में नहीं थे, कारगिल में 1025 या 26 समथिंग शहीद हुए थे, उससे ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 135 करोड़ पॉपुलेशन में 1000 प्लस से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कारगिल के एग्जाम्पल में ये लॉजिक गलत है, कारगिल के एग्जाम्पल में ये लॉजिक गलत है। ये लॉजिक सही होता कब मैं बताता हूं, तो ये लॉजिक गलत है कारगिल के एग्जाम्पल में। अब बात करता हूं इस एग्जाम्पल से और क्या सीखने को मिलता है। मान लो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसकी बजाय, कारगिल की बजाय मान लो किसी जाति या धर्म से रिलेटेड होता, किसी जाति या धर्म से रिलेटेड रिजर्वेशन मांग रहे होते, जैसे गुजरात में जो पटेल जो है वो रिजर्वेशन मांग रहे थे, राजस्थान में गुजर जो है वो रिजर्वेशन मांग रहे थे, हरियाणा में जाट जो है वो रिजर्वेशन मांग रहे थे, अगर किसी जाति या किसी धर्म या किसी समुदाय से रिलेटेड स्टेटमेंट होती तो ये लॉजिक बिल्कुल सही होता, तो ये लॉजिक बिल्कुल सही होता कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्वेशन है, एक और ऐड मत करो। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, बड़ा काम की चीज है, इस एग्जांपल में इस टाइप के एग्जांपल बदलेंगे, है ना। देखो जाति धर्म या समुदाय का जो रिजर्वेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे मान लो मैं जाट हूं, देखो जाति धर्म की बात नहीं कर रहा बट समझाना इसलिए सुनना ध्यान से, ठीक है, मैं जाट हूं, ठीक है, और जाटों को रिजर्वेशन दे दिया तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, फिर उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, फिर उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, फिर उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन चलता रहेगा। वो अलग रिजर्वेशन होता है। बट ये जो कारगिल के ऊपर डिपेंडेंट्स जो रिजर्वेशन है, डिपेंडेंट का मतलब है मेरे ऊपर आश्रित जो है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे नहीं है, ठीक है, यानी कि
पेरेंट्स के ऊपर आश्रित बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, उन्हीं के पैसे पे डिपेंडेंट हो, लेकिन आपके बच्चे आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यानी कि ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी। मतलब ये लॉजिक सही होता अगर किसी जाति धर्म समुदाय से रिलेटेड रिजर्वेशन मांग रहे होते तो सेकंड लॉजिक सही होता, बट कारगिल से रिलेटेड रिजर्वेशन मांग रहे हैं या कारगिल या कोई भी युद्ध या किसी भी नोबल कोज में शहीदों के लिए रिजर्वेशन, वो एक फिक्स नंबर है जिसे ऑलरेडी रिजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसकी वजह से ये गलत है। अब सब क्लियर हो गया? ठीक है, अब सब क्लियर हो गया, डन। देखो सिद्धार्थ करें, जाट तो सेंटर में है ही नहीं, तभी मैंने पहले ये लाइन बोली थी कि किसी जाति या धर्म पे मत जाना, मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने मोदी की बात की समझाने के लिए, उस पॉलिटिक्स में घुस गए, अब आप इसमें सोचने लग गए। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, ठीक है, चलो डन। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, दो सही हो गए। चलो सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, ये सही हुआ, समझ में आ रहा है, चलो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पिछला एग्जांपल करते हैं भाई, मैं एक दिन एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था, तो एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था तो बच्चा बोला कि भी सर ये चैप्टर आपने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। मखा बिल्कुल यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, ये चैप्टर नहीं कोई भी एक एक्स वाई जेड चैप्टर था। मखा बिल्कुल यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो अब मन में ये आता है कि यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाऊंगा, अभी भी बोल रहा हूँ सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पे बच्चे क्यों जाते हैं? मैक्सिमम बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम हर बैच में देखना, हर एक डेढ़ महीने में मेरे लाइव वॉचिंग 250-300-400 पहुंच जाते हैं, फिर लाइव वॉचिंग कम हो जाते हैं, फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फिर वो पेड की तरफ चले जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि एप्लीकेशन पे आपको बीच में एड्स वगैरह, ये नीचे जो सजेशन नीचे शायद कपिल शर्मा दिख रहा होगा, शायद कपिल शर्मा या कोई भी कॉमेडी की वीडियो, ये सब नहीं दिखती। दूसरी चीज, एप्लीकेशन पे इससे भी ज़्यादा डिटेल में कंटेंट मिलता है। देखो जितना पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा, भगाऊंगा नहीं सिलेबस, 10 करा दूंगा अच्छे से कराऊंगा, है ना। एप्लीकेशन पे हो सकता है 25 करा दूं, है ना, यहां 25 करा दूंगा, अब आप कहोगे हमें 25 क्यों नहीं कराओगे, यहां 25 करा दूंगा तो वहां 50 कराऊंगा, अब आप कहोगे हमें 50 क्यों नहीं कराओगे, ठीक है भाई 50 करा दूंगा तो फिर उनको 100 कराऊंगा आपको पूरा कराऊंगा, बट वहां ज्यादा तो ऑब्वियसली मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस शीट वगैरह, जो मेरी रीजनिंग ग्रुप बुक है जो मार्केट में नहीं आए उसकी शीट चैप्टर वाइज वहां अपलोड करता हूं मैं। तो इन सब चीजों के लिए लेते हैं, आ जाओ इस पे आते हैं, इस एग्जाम्पल में देखो वो बोल रहा है भाई, शुड स्कीम ऑफ लॉटरीज बी स्टार्टेड इन इंडिया। अब देखना, जैसे ही लॉटरी स्कीम मन में आया, माइंड में पता क्या आ गया, किस्मत की बात है सर जी, नहीं मत करना, लॉटरी स्कीम नहीं होनी चाहिए, मन में आएगा, अपने मन को कंट्रोल करो, यस नो की तरफ मत जाओ, लॉजिक पे जाना। शुड स्कीम ऑफ लॉटरीज बी स्टार्ट इन इंडिया, क्या लॉटरी योजनाएं भारत में शुरू की जानी चाहिए? देखो बच्चे, लॉटरी स्कीम को शुरू करने का मतलब यह है कि उसको लीगलाइज्ड करना, मतलब सरकार की तरफ से परमिशन मिल करके ऑफिस या दुकानें या ऐसे सेंटर खोले जाए लॉटरी के लिए, ताकि लोग जो है लॉटरी लगाने लग जाए। ध्यान से सुनना, गलती होगी इसमें, पक्का गलती होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत है, देख लेना, ठीक है। देखो यस कर देनी चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट से गलत हो गया ये आंसर, देखना सबका गलत है भाई, जाओ यस कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए मतलब लॉटरी का समर्थन कर रहे हो। अब लॉटरी का समर्थन कर रहे हो, कोई बात नहीं, समर्थन कर रहे हो, लॉटरी गलत है मुझे भी पता है, गलत तो दारू भी है, क्या सरकार की परमिशन से दारू नहीं बिकती? सबसे कोरोना में सबसे लेट बंद हुई और सबसे पहले खुली, ऐसा लगा कि अर्थव्यवस्था ही बेवड़ों ने संभाली थी हाँ तो गलत तो बहुत चीजें हैं, सिगरेट गुटखा और ये सब भी गलत है, लेकिन सरकार की परमिशन से खुल रही है ना, तो कोई चीज गलत है तो उसका मन में ये धारणा मत बनाना कि नहीं वो तो खुलनी ही नहीं चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब सुनना, यस खोल देनी चाहिए तो इसके फायदे गिनवाएगा, अगर फायदे गिनवाएगा तो सही है,
अगर लॉटरी के फायदे गिनवाएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, यस कॉल देनी चाहिए। मैनी स्टेट गवर्नमेंट विल गेट सफिशियंट फंड फॉर दियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सरप्लस फ्रॉम सरप्लस जनरेटेड बाय द लॉटरी स्कीम। हां, कई राज्य सरकारों को अपनी लॉटरी योजनाओं द्वारा उत्पन्न अधिवेश से विकास गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि मिल जाएगी। हां, अगर लॉटरी स्कीम लीगल की तो सरकार के पास पैसा तो पहुंचेगा, सरकार ने परमिशन दे दी तो सरकार के पास पैसा पहुंचेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनता हूं मैं, मैंने आपसे मेरे मंत्रियों से पूछा कि क्या मैं भारत में लॉटरी स्कीम लीगल कर दूं, खोल दूं दुकानें लॉटरी स्कीम की, आप कह रहे हो कि खोल दो। एक मेरे मंत्री यूके मिश्रा जी बोले कि खोल दो, मैंने पूछा क्यों, आप बोले कि सर सरकार के पास बहुत सारा पैसा आएगा जिससे बहुत सारा विकास कर सकते हैं, पैसा आएगा तो विकास कार्यों में लगा सकते हैं। बिल्कुल सच है, लॉटरी स्कीम लीगल की तो पैसा तो आएगा, पैसा आएगा तो विकास कार्यों में लगेगा, तो लॉजिक तो बिल्कुल सब सपोर्ट को कर रहा है, सही है। अब एक और बात बता रहा हूं, बहुत सारे राज्य सरकारों में लॉटरी की स्कीम लीगल है ऑलरेडी, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, असम मेघालय, वहां जो राज्य हैं वहां पर लॉटरी स्कीमें लीगल हैं। मैं जब मेरी टीचिंग की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले दूर जो मैं पढ़ाने गया था वो शिलोंग गया था, उसके बाद मैं बेंगलोर पढ़ाने गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही गया था और शिलोंग से ही मेरे को रीजनिंग गुरु का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो वहां पर जब मैं गया शिलोंग में पढ़ाने गया तो वहां पर मैंने 15 दिन मैं वहां पर था, 3-4 घंटे मेरी क्लास चलती थी। तो बाहर जब मैं बाजार में गया तो बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जिन पर बहुत सारे नंबर लिखे होते थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ डिफरेंट देखने को मिला था। तो मैंने वहां के लोकल लोगों से पूछा कि ये क्या है, बोला ये लॉटरी की स्कीम है, लॉटरी लगती है और जिसकी लग गई शाम तक पता चल जाएगा, सुबह लॉटरी लगाई जाती है, शाम को निकलती है, पता चल जाएगा। मखा ऊपर लिख रखा है सरकार द्वारा प्रमाणित, बोला हाँ सरकारी दुकानें हैं, माँ बढ़िया है। तो ऐसी बहुत सारे राज्य सरकारें हैं जहां पर लॉटरी स्कीम ऑलरेडी सरकार के द्वारा परमिशन है, तो इसका मतलब वहां सरकार के पास सरप्लस में पैसा आता है और पैसा आता है तो उसे डेवलपमेंट में लगता है। लेकिन आपके अंदर इमोशंस जाग गए होंगे कि लॉटरी सल किस्मत की बात है, बहुत सारा युवा बर्बाद हो जाएगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, पैसा लुट जाएगा, इसलिए लॉटरी स्कीम नहीं लागू करनी चाहिए, इसलिए आपके मन में ये बात आएगी। बट उस इमोशंस को कंट्रोल करना, क्या लॉजिक इस बात को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सही है। देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। यस कर देना चाहिए। मैनी अनएम्प्लॉयड यूथ विल गेट चांस अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग लॉटरी टिकट्स। हां कर देना चाहिए, क्योंकि कई बेरोजगार युवाओं को लॉटरी टिकट बेचकर आजीविका कमाने का मौका मिलेगा। टिकरी नहीं है, लॉटरी टिकट है, इतना तो समझ ही जाओगे, बेचकर आजीविका को कमाने का मौका मिलेगा। भाई ये एक बात बताओ, अगर लॉटरी स्कीम लीगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके ऑफिसेज भी खुलेंगे, दुकानें भी खुलेंगी, ऑफिसेज खुलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, है ना। जैसे दारू के ठेके हैं तो वहां पर भी तो एम्प्लॉय बैठे होते ना, तो अगर लॉटरी स्कीम बेच करके तो बेरोजगार युवाओं को आजीविका कमाने का साधन मिलेगा, ये तो सच है, जॉब तो क्रिएट होंगी। दूसरा लॉजिक भी सही बोल रहा है। अब आप कहोगे सर इतने गलत का समर्थन करके भी सही कर दिया, तो गलत तो मैंने शुरू में ही दारू का एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सारी गलत चीजें हैं ऑलरेडी लेकिन वो भी चल रही हैं। ऐसा क्या लॉजिक देता कि मैं नो का सही करवाता, बताओ जल्दी से। नो बोलता, नहीं बोलता, लेकिन ऐसा क्या लॉजिक देता जिसमें मैं नो का सही बोलता। ऑफलाइन क्लास अभी नहीं कह सकते भाई, नेक्स्ट मंथ उम्मीद है। नो का सही बोलता, लॉजिक बोलो जल्दी से, मन में सोचो लॉजिक, कमेंट करो। मैं बताता हूं, मैं मेरे मन में जो है आप सेटिस्फाई हो जाओगे। नो, लॉटरी स्कीम लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो लॉटरी खरीदेंगे उनमें से कुछ लोगों को ही लॉटरी लगेगी, बाकी लोग गोगा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही है,
एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, नो, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग लॉटरी पर ज्यादा आश्रित हो जाएंगे और लॉटरी लगने की उम्मीद से किस्मत पर ज्यादा आश्रित हो जाएंगे, मेहनत कम करेंगे, उनको उम्मीद होगी कि एक दिन लॉटरी लगेगी और हम अमीर बनेंगे, जिसकी वजह से वो मेहनत कम करेंगे। सही है लॉजिक। ऐसे कुछ लॉजिक होते तो नो के भी सही होते हैं। ठीक है, चलो डन है। हाँ, नो बिकॉज इससे स्कैम होते हैं, बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, ये लॉजिक भी सही है। क्लियर, बात समझ में आई? चलो, तो बात समझ में आई तो आगे चलें। नौवें एग्जांपल का एग्जांपल दो भाई, जल्दी से पढ़ो, आंसर दो। हाँ, 8th करा दिया ना? हाँ ठीक है, 9th। देखो, विद द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया शुड ऑल द वर्कर यूनियन बी बैंड। वर्कर यूनियन, वर्कर के जो संगठन का जो यूनियन बनता है ना, जो कर्मचारियों का जो यूनियन बनता है, उसकी बात चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के उद्घाटन के साथ, उद्घाटन नहीं आएगा, ये खुलने के साथ आएगा। ठीक है, उद्घाटन की जगह खुलने के साथ आएगा। अब इकोनॉमी ओपन कब होती है ये भी सुन लो। खुलने के साथ का मतलब है कि हर साल इकोनॉमी जो ओपन होती है वो फाइनेंशियल ईयर पे होती है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, हर साल बदलती है, हर साल बजट नया आता है, मतलब नए बजट पे बोल रहे हैं वो नए बजट पे बोल रहे हैं। ठीक है, देखना, ये भी सबका गलत होगा, ध्यान रखना, सुनो। वो बोल रहा है, भारत में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ क्या सभी श्रमिक संघ आएगा, संघों के प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। विद द ओपनिंग ऑफ द इंडिया शुड वर्कर यूनियन बी बैंड, मतलब नए बजट में वर्कर की जो यूनियन होती है, जो संगठन होता है, जो संघ बनता है, जो ग्रुप बनता है, जो कर्मचारियों का जो समूह बनता है, उन सारी यूनियन को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है नो, बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, तो इसका विरोध कर रहा है, इसको विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसके अगेंस्ट में है, तो इसको बंद करने के नुकसान गिनवाएगा। नुकसान अगर गिनवाएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, बंद करने के नुकसान, पहला लॉजिक। वर्कर यूनियन आर नॉट बैंड इन अदर इकोनॉमिकल एडवांस कंट्री, भाई दूसरी कंट्री में बंद है, नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो पहला तो गलत। दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है नो, टायर टू में भी हेल्प कीजिएगा। हाँ हाँ, तो टायर टू का मेंस का बैच शुरू हो तो रहा है, मेंस का बैच यूट्यूब पे रात को 10 बजे सुनील जांगी सर का, और शाम को 7 बजे मेंस आदित्य रंजन सर पढ़ाएंगे, पूरा मेंस पढ़ाएंगे। शाम को 7 बजे आदित्य रंजन सारे मेंस के क्वेश्चन कराएंगे, रात को 10 बजे सुनील जांगी सर पूरा मेंस का पढ़ाएंगे। ऐसे ही शाम को 6 बजे सुनील जांगी सर आपका प्री का, डिफेंस का, ये सारे इंग्लिश लेकर के आएंगे। तो हर एक टीचर की शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक शेड्यूल फिक्स कर लो कि ये क्लास लेनी ही लेनी है। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ नो, नहीं, फिर नो बोल रहा है, यानी कि इसका विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, तो इसके नुकसान गिनवाएगा, वर्कर यूनियन बैन करने का नुकसान गिनवाएगा। नुकसान अगर गिनवाएगा तो ठीक है लॉजिक, अदरवाइज गलत है। बोल रहा है ए लेवल हेडेड वर्कर यूनियन कैन रियली डू वंडर्स फॉर बोथ
किसके लिए? वर्कर्स एंड इकोनॉमी, नहीं एक श्रमिकों का संघ के अध्यक्ष, ठीक है, संघ का जो अध्यक्ष होता है वो उसी के बेस पे तो चलती है यूनियन, श्रमिकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए चमत्कार कर सकते हैं, दोनों के लिए चमत्कार नहीं आएगा ये, ठीक है, दोनों के लिए काम कर सकते हैं, दोनों के लिए काम कर सकते हैं। वो ये बोल रहा है कि वर्कर जो यूनियन होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, भाई वर्कर यूनियन का मेन जो मुद्दा है वो अध्यक्ष पे ही है, अध्यक्ष जो है वो दोनों के लिए, अध्यक्ष जो है दोनों के लिए अच्छा काम कर सकता है, देश की सरकार के लिए भी, इकोनॉमी के लिए मतलब सरकार के लिए भी और वर्कर के लिए भी। ऑब्वियसली कर्मचारियों की आवाज सरकार तक कौन पहुंचाएगा? वर्कर यूनियन। और सरकार की बात कर्मचारियों से कौन मनवाएगा? वर्कर यूनियन। यूनियन जैसे किसानों की यूनियन होती है, ऑटो चालकों की यूनियन होती है, ऐसे कर्मचारियों की भी यूनियन होती है, और कर्मचारियों का यूनियन जो होता है उसका जो अध्यक्ष है वही सरकार और कर्मचारियों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार की आवाज हमारे तक पहुंचे। तो संगठन तो बनाना पड़ेगा, यह जरूरी भी है, है ना। तो यानी कि ये दोनों के लिए अच्छा काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है कि वर्कर यूनियन दोनों के लिए काम करता है, दोनों की। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकार का वो चमचा बन जाए, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकार के विरोध में ही खड़ा हो जाए, वो अपने कर्मचारियों को भी समझाएगा अध्यक्ष, और सरकार की भी बात सरकार को भी मनवाने की कोशिश करेगा, दोनों के लिए काम करेगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बैच स्टार्ट कर रखा है CHSL के लिए, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हो रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। चलो हर क्लास में समझाने की कोशिश करता हूं पर फिर भी कुछ युवा भटक रहे हैं, उनको मैं ये मानता हूं कि मैंने अगर 1000 बच्चों को भी बचा लिया ना इस बात से तो मैं सफल हो जाऊंगा। किस बात से? चाहे हमारा बैच लो मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात से मैं आपका बचाना चाहता हूं, बस एक बात का ध्यान रखना, इस बात से बच के रहना वरना भटकते रह जाओगे। एक साल के बाद मेरी याद आएगी, नोट कर लो टाइम और डेट, मेरी याद आएगी, कभी भी ऐसे फोकस मत करना CHSL बैच, CGL बैच, MTS बैच, UPSI बैच, UP SSS बैच, ठीक है, और SSC बैच, बैंकिंग बैच, फलाना बैच, दिकड़ा बैच, ये एग्जाम बैच, SSC GD बैच, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन यही करती हैं। इसका पता क्यों, कारण क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है? CHSL बैच लॉन्च किया, बच्चे का नहीं हुआ फिर उसी को बता दिया देख CGL का बैच आ रहा ले ले, फिर देख MTS का बैच आ रहा ले ले, फिर ये भी नहीं हुआ ना बच्चे से, फिर देख UPSI का बैच आ रहा है ये तो क्लियर कर ही देगा ले ले, फिर देख UP SSS का बैच आ गया वो ले ले, फिर बैंकिंग का बैच आ गया ले ले, बच्चा कंफ्यूज, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 हज़ार रुपये दे देता है। ये चलता था 2008 से लेकर के 2013 तक, बट 2013 से लेकर के 2030 तक ये नहीं चलने वाला, और ये जो फॉलो करेगा वो, अब कुछ ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है, बच के रहना, अपने आप को बचा लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन इससे बच के रहना, कुछ ना होने वाला भाई, ठीक है। किसी भी टीचर का पढ़ना, सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ना, रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, GS स्पेशल, किसी भी टीचर का, मैं ये लाइन बोल रहा हूं कि चाहे मेरा लेना मत लेना, तो इसका मतलब ये एक जेन्युइन बात बोल रहा हूं, सही गाइडेंस, वरना एक साल दो साल भटकते रहोगे तब जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, बैंक ये पता उस टाइम क्यों चला था, ये उस टाइम क्यों चला था, उस टाइम कोचिंग एक नया नया ट्रेंड था, कोचिंग लूंगा पापा, कोचिंग लूंगा, कोचिंग लूंगा, मुखर्जी नगर जाऊंगा, कोचिंग लूंगा, एक नया नया ट्रेंड था। ऐसे ही ना ऑनलाइन एक नया नया ट्रेंड है, तो जब नया नया ट्रेंड होता है ना, तो तब जब जो बच्चे को समझा दिया जाता है ना वही मान लेता है। लेकिन इसी ट्रेंड को खत्म करना आप लोगों को, वरना सिलेक्शन ना हो पाएगा। ठीक
ठीक है, स्पेशल लो यार, और जिस टीचर का समझ में आया अच्छे से लगे वो स्पेशल लो भाई। मेरे को रीजनिंग यहाँ से पढ़ना है, जीएससी इस टीम से पढ़ना है, कहो तो मैं इस चीज का एक प्रॉपर गाइड कर दूं। चलो सुनो स्टेटमेंट दसवां, जल्दी से करो। आ जाओ भाई, बोल रहा है शुड वी ग्रांट परमिशन टू रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज टू द कंस्ट्रक्ट सिविल एयरपोर्ट फॉर जनरल यूज इन इंडिया। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, गलती होगी मजा आएगा। शुड वी ग्रांट परमिशन टू रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनी बोल रहा है टू कंस्ट्रक्ट सिविल एयरपोर्ट फॉर द जनरल यूज इन इंडिया। क्या हमें भारत में सामान्य उपयोग के लिए नागरिक हवाई अड्डों को निर्माण करने के लिए, ध्यान रखना निर्माण करने के लिए, ठीक है, निर्माण करने के लिए प्रतिष्ठित निजी कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए निर्माण करने के लिए। ठीक है, बोल रहा है यस दे देनी चाहिए। ठीक है, दे देनी चाहिए। अगर हमने परमिशन दी तो परमिशन देने के फायदे गिनवाएगा, फायदे गिनवाएगा तो सही है, अदरवाइज गलत है। क्या फायदे गिनवा रहा है? यस इट वुड बी बोथ इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव, यह सस्ता और प्रभावी दोनों होगा। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो सरकार के ऊपर बर्डन खत्म, सरकार के ऊपर बर्डन खत्म तो सस्ता तो पड़ेगा, है ना, और प्रभावी भी होगा। प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो जल्दी बना के देगी, जैसे दिल्ली मेट्रो को जापान की कंपनी ने बनाया तो अच्छे से बनाया, जल्दी से बनाया, इफेक्टिव रहा और सस्ता भी रहा। तो पहला लॉजिक सही है, ऑब्वियसली ये सही बात बोल रहा है कि हाँ प्रभावी तो होगा। नेक्स्ट, नो नहीं देना चाहिए परमिशन, परमिशन नहीं देना चाहिए। प्राइवेट फर्म कभी भी इकोनॉमिकल नहीं हो सकती, सस्ती तो होंगी नहीं कभी। हाँ, यूके मिश्रा ने एक लॉजिक बोला, देखो यूके मिश्रा आपका लॉजिक बिल्कुल सही है कि प्राइवेट फर्म जो है ना कभी भी सस्ती नहीं हो सकती, बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत सही बात बोली। बट बच्चे प्राइवेट जो कंपनी है वो सस्ती नहीं होती जनता के लिए, वो सस्ती नहीं होती आम जनता के लिए, प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसा कमाती है, बट सरकार के लिए तो वो सस्ता पड़ा ना, प्राइवेट कंपनी महंगी पड़ेगी। ठीक है, मान लिया प्राइवेट कंपनी जो एक करोड़ में चीज है वो डेढ़ करोड़ में बनाएगी, ठीक है, बट सरकार के लिए सस्ता कैसे बना? अगर कोई सरकारी संस्था उसको बनाएगी तो जो डेढ़ साल का काम है वो पांच साल तक खिंच जाएगा, और वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी नहीं पता, भ्रष्टाचार होने का के चांसेज है। अगर मैंने ठेका ही दे दिया, ठीक है, अब भाई ये प्राइवेट कंपनी तो बना, ठीक है, जैसे दिल्ली यमुना एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से आगरा जो यमुना एक्सप्रेस वे जाता है वो प्राइवेट कंपनी ने बनाया, उसको ठेका दे दिया, जितनी की भी डील हुई, बिडिंग हुई, है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी दे दिया, है ना, जितने की पहले बिडिंग हुआ करती थी, आजकल तो बिडिंग खत्म हो चुकी, हालांकि बिडिंग आजकल भी होती है, मतलब बोली आजकल भी लगती है, लेकिन ठेका तो उसी को मिलता है ना, आप जानते हो जो करीबी हैं, अदानी अंबानी, है ना, रामदेव जी, पतंजलि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन चलो ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, इसमें नहीं घुसते हम, मेन मुद्दा ये है कि सरकार के लिए सस्ता पड़ेगा, हाँ सरकार का बर्डन हट जाएगा, सरकार के लिए सस्ता पड़ेगा, ठीक है, इफेक्टिव तो होगा ही। ठीक, चलो तो पहला तो सही है, आ जाओ, तो आपका सोच सही थी यूके मिश्रा, है ना, इसी तरीके से कमेंट किया करो, अच्छा लगता है जब कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है ना तो उसकी सोच डेवलप होगी, है ना, तो आपने जो लिखा वो बात ठीक है। हाँ, सिद्धार्थ ने कहा कि इकोनॉमिकल कैसे होगा, जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का होगा वो महंगा हो जाएगा। बच्चे ये कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए बोला है, ऑपरेट करने के लिए नहीं बोला, बनाने के लिए बोला है, चलाने के लिए नहीं बोला। ये बात समझो कि प्राइवेट कंपनी कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज किया है, ये नहीं कहा कि प्राइवेट कंपनी उसको चलाएगी ना, उसको सिर्फ बनाएगी, चलाएगी तो भारत सरकार ही। अब क्लियर बात? ठीक है, डन, नेक्स्ट, नो नहीं, क्यों? इट में पोज डेंजर टू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया, नहीं देनी चाहिए क्योंकि भारत की
प्रतिभूति और सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर सकता है। यही बात तो मैं पहले ही बोल चुका कि चलाने के लिए नहीं बोला उसने, बनाने के लिए बोला है। निर्माण कार्य में सुरक्षा खतरे में नहीं होगी। अब दिल्ली मेट्रो बनाई जापान की कंपनी ने, तो जापान की कंपनी ने दिल्ली मेट्रो बनाई तो क्या दिल्ली मेट्रो खतरे में है? ना, कोई प्राइवेट कंपनी कोई एयरपोर्ट बनाएगी तो क्या वो खतरे में हो जाएगी? ना, नहीं। तो दूसरा लॉजिक गलत। जब मैं ऑफलाइन में एक एग्जांपल करा रहा था तब एक बच्चे ने उठ करके कहा, मैं ऑफलाइन में तो सामने बैठ करके डिस्कस करता हूँ, ये चैप्टर पढ़ाते वक्त डिस्कस करता हूँ बच्चों से बैठ करके, आराम से पूरा बैच के बच्चों से रिव्यू लेता हूँ, भाई तेरी सोच क्या है, तभी तो सोच डेवलप हो पाती है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो उसको सारे के सारे जब बनाएगी तो उसको सारे की सारी जगह उसको पता होंगी कि कहाँ पर क्या है, इससे सिक्योरिटी और सेफ्टी को खतरा नहीं है। उस बच्चे ने सोचा, बट भाई जो बनाएगी उसको पता होगा, बट ये तो आम जनता को भी पता है। हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमें एयरपोर्ट पर नहीं पता कि कहाँ पर टिकट मिलेगी, कहाँ पर जहाज आएगी, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही बार खुला हुआ है, हमें पता है ना कहाँ पर शॉप्स हैं, सब हमें भी पता है, आम जनता को भी पता है, सबको। पब्लिक यूज आम नागरिकों के लिए बना रही है तो आम नागरिकों के लिए जो चीज़ बनती है ना वो उसका सबको पता होता है। आप मेट्रो का, जब आप मेट्रो में जाते हो आपको पता रहता है कि कहाँ पर हेल्प डेस्क है, कहाँ पर टिकट काउंटर है, कहाँ पर क्या है, पूरी मेट्रो के पूरे प्लेटफॉर्म को देख लो, चाहे देख सकते हो, कोई खुफिया चीज़ थोड़ी ना रखी है, आम नागरिकों के लिए हवाई अड्डा है। तो आम नागरिकों के लिए बना रही है कोई प्राइवेट कंपनी तो उससे खतरे में थोड़ी ना, खतरा और सेफ्टी और सिक्योरिटी CISF का काम है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF भारत सरकार की है। तो दिल्ली में भी एयरपोर्ट में भी CISF की ड्यूटी रहती है, तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी तो पुलिस और आर्मी या फोर्सेज का काम है, उसका काम है तो CISF तो भारत सरकार के पास ही है ना, तो कोई खतरा नहीं होगा भाई प्राइवेट कंपनी को बनाने का। तो दूसरा लॉजिक गलत, पहला सही। डन, क्लियर, ठीक है, चलो अब सुनो भाई, जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगी, अभी और कराएंगे, ठीक है, उसके बाद वीडियो के बाद अंत होने के बाद आप कमेंट करके बताओगे कि आज के सेशन से आपको कितना कुछ समझ में आया, क्या क्या समझ में आया। उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और मैं रिप्लाई भी करता हूं, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो पढ़ाया है ना इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल है ना, अभी और पढ़ेंगे, ठीक। तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ये कॉम्बो बैच है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना RG विक्रमजीत, या फिर वेबसाइट live.vikramjeet.in, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट कर दूं, live.vikramjeet.in जैसे ही आप ओपन करोगे अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो नीचे नीचे जब आप जाओगे तो वहां पर वीडियोज मिलेंगी, live.vikram फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज मिलेंगी। उन वीडियोज में परसेंटेज की 10 घंटे की आदित्य रंजन सर की वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो देख लेना, मेरी काउंटिंग फिगर की डली हुई है वो देख लेना, मेरी कैलेंडर कंप्लीट कैलेंडर की डली हुई है वो देख लेना, उनमें वो वीडियो ऐड करवाई है जो बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा है, तो वो वीडियोज live.vikramjeet.in पर जाकर के देख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ आप 10 अगस्त वाला बैच तीनों का स्पेशल पढ़ सकते हो, ये स्पेशल बैच है तीनों, ये कोई एग्जाम टारगेटेड कंबाइन बैच नहीं है जो अभी मैं बोल रहा था मत लेना, ये तीनों स्पेशल बैच है, मैथ स्पेशल है, इंग्लिश स्पेशल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट सारे के सारे एग्जाम टारगेट होंगे, चाहे डिफेंस का हो, चाहे SSC का हो, चाहे बैंक का हो, सेम सारे एग्जाम, चाहे SSC हो, चाहे UPSI हो, चाहे डिफेंस हो, UPSI में अलग जो टॉपिक आते हैं वो भी करवाए जाएंगे, प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है, और रीजनिंग स्पेशल मेरा। इसमें फर्क इतना है कि बस आपकी फीस कम हो जाती है, तीनों की फीस 700 700 700 2100 है, इकट्ठा लेते हो तो आपकी फीस कम हो जाती है, तो आप तीनों टीचर का भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम, उस पर आज की PDF मिलेगी। गुरुकुल कब ओपन होगा? जल्दी से ओपन होगा, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी डेली पूछते हैं गुरुकुल कब ओपन होगा, जल्दी ओपन करेंगे भाई रैंकर्स गुरुकुल ओपन, ठीक है। अब की बार फिर से खतरनाक सिलेक्शन देना है तो जल्दी ओपन होगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर कर देना, और टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिली जाएगी। इसका दूसरा सेशन भी जरूरी है, अभी
टॉपिक अभी क्वेश्चन और भी है मेरे पास, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और भी डिटेल में हम इसको सीखेंगे। तो दूसरा सेशन चाहते हो या नहीं चाहते ये भी कमेंट में करना। अगर चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि अगले सेशन में आपसे ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस कर लेना। ऑल द बेस्ट, अब मिलेंगे अगले सेशन में कल 8:30 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।